सो हेलो एवरेवन एंड गुड इवनिंग सभी को उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस पापर आ रही होगी सभी तक एक बार कन्फर्म कर देंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे ही है लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये हम लोगों का जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म सारी चीज़ें कॉन्टीन्यूटी में चल रही हैं यानी कि अगर आपको पीछे के लेक्चर्स सारे समझ में आए होंगे तो इसका भी लिंकेज उसी से ही है जो हमने अभी पीछे चीजें देखी थी और कल भी मैंने उसका लिंकेज आपको समझाया था कि किस तरह से जो हम आगे जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म पढ़ेंगे उसका लिंकेज किस तरह से रिग वैदिक एज से है और वहाँ पे किस तरह से जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन बढ़ रहा है उसी से हमारे हीट्रोडॉक्स स्कूल्स ऑफ थाट्स निकल के आएंगे जिनको हम जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म बोलते हैं क्लियर एक बार बताइए कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं ओके आर यू आस्था सोनू हेलो तुम हेलो नहीं बोलते ना? क्या बोलते हैं हेमलो है ना लोग की अलग लैंग्वेज है चलो शिवांगी राजनी, सभी को गुड इवनिंग चलो तो स्टार्ट करते हैं तो कल मैंने आपको क्या बताया था जो स्कूल ऑफ थॉट्स और जो बिलीव करते हैं वे में देखो मैंने पिंटैब कनेक्ट ही नहीं किया मैं चल क्यों नहीं रहा कनेक्ट करना पड़ेगा तो एक सेकेंड तो कल हम लोगों ने देखा था कि जो स्कूल ऑफ थॉट्स वेदाज में बिलीव करते थे वेदों में बिलीव करते थे उनको हमने बोला ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट्स उसमें हमने देखा था जैसे कि कन्नड़ हो गया संख्य हो गया और आपका उत्तर मीमांस पूर्व मीमांस ये हम लोगों ने देखे थे चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किसने प्रपाउंड किया था आपका <laughs> न्याय फिलॉसफी किसने दी थी न्याय फिलॉसफी के प्रपाउंडर कौन थे ठीक है एक तो ये बताइए और कन्नड़ जो फिलॉसफी थे इसके प्रपाउंडर कौन थे जल्दी से बताइए तो कल मैंने को बताया था न्याय कौन दिलाता है गौतम जी जी दिलाते हमारे ना गौतम गंभीर तो गौतम इसके प्रपाउंडर है और कन्नड़ वैशेषिका ये क्या मैंने लिख दिया उल्टा लिख दिया सॉरी 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 वैशेषिका जो स्कूल ऑफ थाट है उसके प्रपाउंडर है कन्नड़ ठीक है वैशेस, क्या लिख रहा हूं मैं जो कन्नड़ स्कूल ऑफ थॉट है उसके प्रपाउंडर कौन है वैशे राइट और हम लोगों ने यह देखा था कि यह किसकी बात करता है एटम की यानी परमाणु की बात करता है ठीक है थेके? जो ये नया फिलोसफी है यह भी कही कहीं ना कहीं यह बोलता है कि कोई भी चीज हमें बिलीव नहीं करनी है जब तक कि उसमें कोई साइंटिफिक अप्रोच ना हो तो हम लोगों ने डिफरेंट ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट्स देखे थे जो बिलीव करते थे जो बिलीव नहीं करते थे

किस तरह से चार वर्णों में हमारी सोसाइटी बट गई थी और ये जो चार वर्ण हैं ये हमें कौन से मंडल में चार वर्णों का क्लासिफिकेशन है जरा कॉमेंट बताइए हमने देखा था ऋग्वेद दस मंडल यानी दस किताबों से मिलकर बना है उसमें से कौन सा मंडल में चार वर्णों के बारे में मैंशन है उसमें से हमने ये देखा था कि एक कॉस्मिक मैन है जिसके कि माउथ से कौन निकला है ब्राह्मण निकले हैं आम से छत्रीय निकले हैं थाई से वैश्य निकले और फीट से शूदराज निकले हैं अर्ली वैदिक एज में यानी कि पूर्व वैदिक काल में तो ये जो वर्ण सिस्टम था ये ऑन द बेसिस ऑफ वर्क या प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन था ना कि बाई बर्थ था लेकिन हमने देखा लेटर वैदिक एज में कैसे ये सिस्टम इतना खराब हो गया कि ब्राह्मणिकल डोमिनेशन बढ़ता गया ब्राह्मण्स का ये मानना था कि कोई भी आप अगर आपको जैसे मोक्ष प्राप्त करना है हमने देखा था कि सब डिविजन्स थे वेदाज में अगर आपको याद हो सबसे पहले हमने क्या देखा था सब डिवीजन में संहिता संहिता सम क्या थे कलेक्शन ऑफ हाइम्स थे फिर हमने देखा था ब्राह्मण्स ये ब्राह्मणास क्या थे जो आखिरी में दिए हुए हर वेदा के आखिरी में दिए हुए इसमें क्या है रिचुअल्स लिखे हुए हैं कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए मोक्ष क्या होता है कि आपको जन्म के बाद कोई शरीर नहीं मिलेगा आप सीधे भगवान के पास जाएंगे तो अगर आपको चाहिए तो रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ेंगे या फिर अगर आप कुछ भी सफलता के लिए यज्ञ परफॉर्म करना चाहते हो तो हमारे बिना वो सफल नहीं होगा तो इस तरह से धीरे धीरे ब्राह्मणिकल डोमिनेशन बढ़ने लगा इस ब्राह्मणिकल डोमिनेशन से पहले तो सिर्फ शूद्र थोड़ा से वैश्य परेशान थे लेकिन अब धीरे धीरे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं तो जो क्षत्रिय हैं अब क्योंकि शूद्रास के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो रिबेल कर सके इनके अगेंस्ट मन में कसक तो थी लेकिन रिबेल नहीं कर पा रहे थे लेकिन जो क्षत्रिय थे उनके पास तो पावर थी ना तो उन्होंने रिबेल किया ब्राह्मणिकल डोमिनेशन के खिलाफ तभी जो दोनों धर्म हैं जैन और बुद्ध इनके जो मेन फाउंडर हैं बुद्धिज्म के आप सभी जानते हैं कौन है है ना गौतम बुद्ध और जैनिज्म के फाउंडर तो नहीं लेकिन जो मेन प्रपाउंडर है जिन्होंने इस धर्म को फैलाया दोनों लोग क्षत्रिय ही थे ठीक तो इससे हमें यह पता चलता है किस तरह से क्षत्रिय ने रिबेल किया ब्राह्मणिकल डोमिनेशन के अगेंस्ट में और इसका सपोर्ट किया वैश्यास और सूत्र क्योंकि उनको भी ये ब्राह्मिकल डोमिनेशन नहीं पता अप, किसी किसको पसंद होगा आप खुद ही सोचिए कि अगर आप लोग दस लोग रह रहे हो कहीं पे ठीक है और उनमें से एक दो लोग के पास बहुत ज्यादा पावर है तो बाकी के जो लोग हैं वो इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे राइट और ये चार वर्णों का जो सिस्टम है टेंथ मंडल में हमने देखा था राइट right, उसमें हमने देखा था शुक्ता के बारे में है है ना तो ये चीज था ब्राह्मणिकल डोमिनेशन एक तो एग्रीकल्चर इकोनमी क्योंकि रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस इतने बढ़ रहे थे और हमने ये भी देखा था कि लास्ट में फिर क्या हुआ था जब ये धर्म आ गए थे है ना <laughs> तो सिक्स सेंचुरी बीसी में उपनिषद इन लोगों ने ऐड कर दिए हिंदू धर्म में किसमें हम रिफॉर्म लाते हैं और यही कारण है कि हमारा जो जन्म का भूमि है वो बुद्धिज्म भारत ही है अभी हम पढ़ेंगे लेकिन भारत में बुद्धिज्म बहुत ही कम देखोगे आप हिमाचल वगैरह में जाओगे तो ही थोड़े आपको दिख जाएंगे फिर थोड़ा इधर उधर जगहों में लेकिन बहुत ही वो है तो उसका रीजन भी यही है वो हम खैर आगे देख लेंगे कि इन्होंने अपने यानी जो हिंदू धर्म है उसको रिफॉर्म कर लिया अब उपनिषद जोड़ दिया और उपनिषद में ये लिख दिया कि आपको जरूरी नहीं है कि आप रिचुअल्स या फिर सैक्रिफाइसेस करें तभी आपको मोक्ष मिलेगा आप भक्ति को फॉलो करके भक्ति का मार्ग भी फॉलो करके आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं ठीक एग्रीकल्चर इकोनमी अब इनमें क्या था जैसे अभी मैंने बताया ब्राह्मणिकल डोमिनेशन था रिचुअल सेक्रीफाइसेज और सेक्रीफाइसेज में किसकी सेक्रीफाइस देने बली चढ़ानी पड़ती थी कैटल्स की बकरी की चढ़ा दो गाय बकरी गाय ये सब मतलब इनका क्या था सेक्रीफाइसेस दी जाती थी अब अगर एग्रीकल्चर को बढ़ाना है तो ये सारी चीजें तो हटानी पड़ेंगी मतलब अब जैसे जो कैटल है उनको सेक्रीफाइस मारा जा रहा है मारा जा रहा है उनकी पॉपुलेशन क्या हो रही है कम हो रही है उससे एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ रहा था तो जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे वो भी इससे नाराज़ थे वैश्यास क्या थे मेनली एग्रीकल्चर कर रहे थे और वो ट्रेड कर रहे थे व्यापार कर रहे थे और उनमें से एग्रीकल्चरल <coughs> प्रोडक्ट्स भी एक वन ऑफ दी थिंग्स थे व्यापार करने में तो ऑब से बात है वो इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे यूज़ ऑफ पंच मार्क पॉइंट्स धीरे धीरे क्या है पंच एक कोइन से स्टार्ट हो गया और जब कॉइन स्टार्ट हो जाते हैं हमने देखा था हड़प्पा के टाइम पे बार्टर सिस्टम चलता था तो मैं गेहूँ चाहिए मुझे चावल चाहिए हमने आपस में एक्सचेंज कर लिया कॉइंस वाला सिस्टम नहीं था नहीं पता तुमको कॉइंस के बारे में यहाँ पे धीरे धीरे कॉइंस पे आने लगे तो इससे क्या होने लगा कॉइन से ट्रेड बढ़ने लगा व्यापार और जब व्यापार बढ़ता है तो वैश्य जो है हमारे ठीक है यानी कि जो ट्रेड करते हैं जैसे कि हम इनको अभी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो बनिया बोलते हैं ना जैसे कि बहुत सारी हमारी इसमें कास्ट आती हैं तो वो लोग ट्रेड बहुत करते हैं ठीक है तो ये लोग जो थे ये तलाश में थे कि हमारा भी कोई एक रिलीजन हो हमें भी कोई इज्जत दे वैश्य शूद्र ये मतलब ये मान रहे थे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म डिड नॉट अटैच एनी इंपॉर्टेंस टू तो एग्जिस्टिंग वर्ण सिस्टम इन्होंने वर्ण सिस्टम को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी हाँ जैनिज़्म ने माना कि वर्ण सिस्टम ठीक है और वो आ, बर्थ के बेसिस पे नहीं होना चाहिए आपके काम के बेसिस पे या फिर आपके कर्म के बेसिस पे होना चाहिए यानी कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा वर्ण आपको मिलेगा आगे ब्राह्मण आप बनोगे बुरे कर्म करोगे तो फिर आप नीचे तो ये बुद्धिज्ञ ने तो ये ने पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया था उसको यही कारण है कि बुद्धिज्म में बुद्धिज्म ज्यादा फैला बाकी देशों में भी ठीक है तो इसमें यह था कि इसने वर्ण सिस्टम को डिस्कार्ड कर दिया तो अगर मुझे जैनिज्म में बुद्धिज्म ज्वाइन करना है तो सारे लोग वहां इक्वल ट्रीट किए जाएंगे और ऑब्वियस बात है फिर तो और शूद्र करेंगे यही कारण है कि अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे भीमराव अंबेडकर जी ने भी अपने लाइफ के लास्ट डेज में बुद्धिज्म धर्म को अपना लिया था क्यों क्योंकि यहां पे आपको इक्वल ट्रीट किया जाता है वर्ण सिस्टम नहीं होता है बिलीफ इन नॉन वायलेंस ये दोनों धर्म नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे अहिंसा में बिलीव करते थे और जब अहिंसा में बिलीव करते थे तो मतलब ये सैक्रिफाइसेस नहीं करेंगे जो हम अभी देख रहे हैं सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं पहला दूसरा अगर नॉन वायलेंस अहिंसा होगी अहिंसा का मतलब है अहिंसा नहीं हो रही है मार काट नहीं हो रही है तो व्यापार बढ़ेगा और व्यापार यही तो वैश्य चाहते थे कि व्यापार बढ़े सिंपल तो ये कारण है कि किस वजह से ओरिजन हुए और बहुत सारे लोगों ने इन दोनों धर्म को ज्वाइन किया आई होप ये कॉजेज ऑफ ओरिजन आपको समझ आ गए होंगे थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि क्यों ओरिजन हुए डायरेक्टली हो सकता है इसे क्वेश्चन ना पूछे स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है लेकिन हाँ हमारे अगर खासकर एस एग्जाम में अगर मैं बात करूँ सिर्फ एस एग्जाम में तो थोड़े से फैक्चुअल चीज़ें ज्यादा आती हैं कि भाई जन्म कहाँ हुआ गौतम बुद्ध का ये सारी चीज़ें तो वो हम अभी देखेंगे लेकिन ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि ओरिजन क्या था कि स्टोरी में इंटरेस्ट भी तो आना चाहिए हालाइट चलिए तो आगे बढ़ते हैं स्टार्ट करते हैं जैनिज्म ठीक है दो धर्म हमें पढ़ने जैनिज्म एंड बुद्धिज्म सबसे पहले जैनिज्म के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं जैनिज्म में जैसे हमारे हिंदू धर्म में पंडित होते हैं तो वैसे ही जैन धर्म में जो हमारे ग्रेट टीचर्स होते हैं या फिर जो फिलोसफर्स होते हैं उनके लिए टर्म यूज किया जाता है तीर्थंकर इस तीर्थंकर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और यह माना जाता है कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर रहे जिसमें कि जो हमारे पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव पहले जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव इनका नाम था टोटल 24 का हमें नाम याद करने की जरूरत नहीं है हमें पहला 23वां और 24वां पता होना चाहिए पहले ये थे 23वें अगर हम बात करें 23rd ये पार्श्वनाथ है ठीक है इनके नाम पे एक हिल भी है जब लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो फिर से ये आएंगे ठीक है ट्वेंटी फोर्थ अगर हम बात करें लास्ट जो कि मेन फाउंडर माने जाते हैं जैन धर्म के फाउंडर तो ये हैं लेकिन मेन फाउंडर का मतलब क्या है कि मेन जो फैलाया जैन धर्म को वो इन्होंने फैलाया और इनका नाम है वर्धमान महावीर अब इनके बारे में हमें थोड़ी सी कुछ और भी चीजें पता होनी चाहिए फर्स्ट थिंग कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ और इनको किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है जैन धर्म में तो इनका जो ज, मतलब जो जन्म हुआ वो अयोध्या में हुआ और जो इनको रिप्रेजेंट किया जाता है वो बुल से रिप्रेजेंट किया जाता है पार्श्वनाथ की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म है वो वाराणसी में हुआ एंड इनको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो सोरपेंट सांप से रिप्रेजेंट किया जाता है महावीर जी की अगर बात करें तो इनके जन्म वो सारी चीजें हम देखेंगे बस अभी के लिए यहाँ पे ये नोट कर लो कि इनको रिप्रेजेंट किस चीज से किया जाता है बाकी इनके बारे में सारी डिटेल्स हमें अभी पढ़नी है जन्म मृत्यु माता का नाम पिता का नाम सारी चीजें तो वहां पर देखेंगे ठीक एक और चीज है दैट इज कि हमारे जो <coughs> वेद हैं वेद में सिर्फ दो तीर्थंकर ही मैंशनड हैं वैसे इस पर कभी क्वेश्चन मैंने देखा तो नहीं आपके अभी एस एग्जाम्स में लेकिन अगर पूछ ले तो दो तीर्थंकर हैं एक तो जो हमारे पहले वाले हैं कौन ऋषभ देव ठीक और जो हमारे बाईसवें वाले हैं ट्वेंटी सेकेंड इनका नाम है अरिष्टा नेवी ठीक है अरिष्टा नेवी इन दोनों लोगों के बारे में किसमें मेंशन है वेद में अब हम आ जाते हैं वर्धमान महावीर जी पे जो कि मेन फाउंडर माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने ही इसका प्रचार किया जा जा के डिफरेंट जगहों में और यही कारण है इंडिया में बहुत ज्यादा तो ये नहीं फैल पाया और ये भी कारण है अभी हम देखेंगे क्यों बहुत ज्यादा इंडिया में नहीं फैल पाया उसके कारण ये है कि मतलब भी बहुत ही एक्सट्रीम लाइफ को प्रेफर करता है अगर आप कभी जैन धर्म के जो गुरु हैं उनको देखें तो बहुत ही कम वस्त्र में रहते हैं तो ये एकदम एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लाइफ को प्रेफर करते हैं कि मतलब पूरा खाना छोड़ दो पूरा कपड़े मतलब पूरे कपड़े मत पहनो इस तरह से बहुत एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लाइफ तो जो बुद्धिज्म धर्म है वो काफी फैला है। और ये नहीं फैल पाया उसका यही रीजन है उसको हम लास्ट में समझ लेंगे अभी इन चीज़ों पे फोकस करते हैं ठीक है थीके? बर्थ अगर हम बात करें इनका जन्म कहाँ पे हुआ और या और कब हुआ तो 540 फोर्टी बी सी देखिए एग्जैक्ट ये नहीं है कि मतलब हमें पता ही नहीं 540 सौ बी सी में ही हुआ कहीं कहीं पर हो सकता है पाँच दिख जाए कहीं कहीं पर पाँच इस तरह से बट रफली ज्यादातर फाइव फोर्टी बी आपको ज्यादातर जगहों में देखने को मिलेगा ठीक है कहाँ पर हुआ कुंड ठीक है तो ऐसे याद रख लो कि इनका जन्म एक कुंड में हुआ एक गांव के कुंड में हुआ और ये कुंड ग्राम पढ़ता कहां पे है वैशाली बिहार में तो कई बार ये भी पूछ लेता है किस राज्य किस स्टेट में इनका जन्म हुआ तो बिहार में हुआ डेथ अगर बात करें फोर सिक्स एट में हुआ जरा मुझे यह बताइए तो अगर इनका जन्म पांच सौ में हुआ और अगर इनकी मृत्यु चार सौ में हुई तो कितने साल ये जी मैंने आपको बताया था कि जब हम बीसी में आगे बढ़ते हैं तो नंबर घटता है है ना और इनकी जो डेथ हुई वो पावापुरी में हुई कहाँ पे पावापुरी यानी कि हम बोल सकते हैं इनको मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में हुई ये कहाँ पड़ता है ये भी आपका बिहार शरीफ बिहार में पड़ता है बिहार में एक जो जगह पड़ती है बिहार शरीफ कौन कौन अच्छा यहाँ पर बिहार से आई थिंक काफ़ी लोग होंगे ना तो यहाँ पे कितने साल जिए तो अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि सेवेंटी टू तक इनकी लाइफ रही हमें क्या करना है 540 में से 468 सिक्सटी डिग्री घटाएंगे तो 72 टू हमें मिलेगा है ना फादर की अगर बात करें तो इनके पिता का नाम वही था जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था और वो था सिद्धार्थ यानी कि इनके पिता का नाम वही था जो गौतम बुद्ध जो हम आगे देखेंगे उनके बचपन का जो नाम था सिद्धार्थ और ये बिलोंग करते थे एक क्लैन थी जनात्रिका ठीक है जो जनात्रिका करके क्लैन हुआ करती थी उससे बिलोंग करते थे क्षत्रिय क्लैन थी ये ठीक है अभी मैंने आपको बताया था ये दोनों लोग चाहे हमारे महावीर जी हों चाहे हमारे गौतम बुद्ध हो दोनों लोग क्षत्रिय क्लाइन से ही बिलोंग करते हैं मदर की अगर बात करें तो इनका नाम त्रिशला था त्रिशला इनकी वाइफ का नाम बात करें यशोदा ठीक है गौतम बुद्ध की जो वाइफ थी उनका नाम यशोदरा था इनकी वाइफ का नाम यशोदा और इनकी डॉटर का नाम था अनोंजा अनोंजा प्रिय दर्शनी और अनोंजा प्रिय दर्शनी के जो हस्बैंड है यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं वर्धमान महावीर जी के दामाद उनका नाम था जमाली और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जमाली जो हैं ये पहले डिसाइपल बनते हैं पहले शिष्य बनते हैं वर्धमान महावीर जी के तो दामाद हो तो ऐसा है <laughs> ना तो जमाली जी जो है फर्स्ट डिसाइपल बनते हैं महावीर जी के इतनी चीज़ सभी को क्लियर आई होप यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो था नहीं ये चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेंगी ऐसे याद कर सकते हैं कि जो बर्थ हुआ इनका जो जन्म हुआ वो एक गाँव के कुंड में हुआ ठीक है और इनके आखिरी जो पाँव हैं पैर हैं ठीक है ठीके? वो पाव ठीक है तो पाव से पावापुरी आपको याद हो जाएगा ठीक है इस तरह से और जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम तो इनके फादर का नाम था राइट तो ऐसे याद कर सकते हैं और वाइफ के नाम तो याद रहेगा ये शोदा इनका और गौतम बुद्ध की ये क्लियर अब आ जाते हैं कि इन्होंने अपना गृह त्याग किस उम्र में किया किस एज में किया तो थर्टी की एज में किया तीस की उम्र में देखिए और भी बहुत सारे फैक्ट हैं कि अपने भाई के परमिशन से या भाई का नाम ये वो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है क्योंकि यहाँ पर जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ जो पी वाई क्यूज हैं और जो बाकी डिफरेंट में जो एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछेगा उसके बेसिस पर नहीं तो फैक्ट तो अनलिमिटेड है लेकिन मुझे लिखने में कोई दिक्कत नहीं लेकिन आपका ही लोड बढ़ेगा वो ठीक है एनलाइटेनमेंट के गर्म और हाँ जब तीस की उम्र में ये गए तो एक पर्सन थे मक्काली घोसला ठीक है इन्होंने मक्कारी कर दी थोड़ी सी मकारी मतलब ऐसे ही मैं वर्ड यूज़ कर रहा करूँ ताकि आपको याद रहे है ना दिल पे नहीं लेना है क्योंकि मुझे पता है जैन कम्युनिटी के काफ़ी लोग भी यहाँ पे होंगे है ना और जो जैन कम्युनिटी है उसका इंडिया के डेवलपमेंट में काफ़ी बड़ा रोल है ठीक है और जैन अगर आप ज़्यादातर देखोगे तो काफ़ी रिच आपको देखने को मिलेंगे आप में से होंगे भी यहाँ पे काफ़ी लोग तो जनरली वो अमीर होते हैं ठीक है जैन क्योंकि वो ट्रेडर्स होते हैं और ट्रेडिंग से वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग इन दी सेंस वो ऑनलाइन स्टॉक मार्केट वाली ट्रेडिंग नहीं है ना ट्रेडर्स होते हैं और वो काफ़ी मतलब इंडिया के डेवलपमेंट में काफ़ी रोल भी प्ले करते हैं राइट और अगर आप देखो कभी जो मैंने चीज़ ऑब्जर्व करी है जब यू के रिजल्ट निकलते हैं सिविल सर्विसेज के तो टॉप फिफ्टी में आपको दो तीन जैन तो मिल ही जाएंगे <laughs> खैर मकाली गोसल ठीक है घोसला अब ये मकारी में क्यों बोला वर्ड क्योंकि इन्होंने क्या किया पहले इनके साथ गए तो लेकिन फिर कुछ डिफरेंसेस आ गए इनके और जो हमारे वर्धमान महावीर हैं उनके ओपिनियन में differences आ गया। तो इस वजह से ये थोड़ा सा निकल लिया अपना साइड में और इन्होंने अपना अलग से एक सेक्ट बना लिया आजीविका सेक्ट जिसके बारे में ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है आगे जब हम रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ रूलर्स हमें मिलेंगे जिन्होंने इस सेक्ट को अपनाया था एनलाइटनमेंट की बात करें नहीं कि इनको कब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको बयालीस uh, की उम्र में एट द एज ऑफ फोर्टी टू अंडर अ साली साल ट्री कुछ नहीं जो पीपल का पेड़ होता है ऐसे समझ लो जो पीपल का पेड़ होता है उसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई कहां पे? एट जंबिका ग्राम ठीक है एट जंबिका ग्राम जो जगह है वहां पे किस नदी के किनारे ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रिजु पालिका रिवर कौन सी थी रिजू पालिका इनको किसकी प्राप्ति हुई एनलाइटेनमेंट और इस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं कैवल्य क्या बोलते हैं कैवल्य वहां पे हम देखेंगे बुद्ध धर्म में इसको निर्वाण बोलते हैं यहां पे इसको कैवल्य बोलते हैं राइट और अगर हम बात करें इनको इन्होंने पहला अपना जो यानी कि जो पहला उपदेश है वो कहां पे दिया तो फर्स्ट शर्मन जिन्होंने डिलीवर किया वो पावा नामक जो जगह है वहां पर किया फर्स्ट शर्मन क्लियर सभी को क्लियर और एक अगर आपसे कभी देखो केवल अलग होता है ध्यान रखना और केवलिन अलग होता है एकदम केवलिन का मतलब होता है परफेक्टली लर्न यानी कि जिसको सब कुछ पता हो जैसे कि जितेंद्रीय जितेंद्रीय मतलब जिसने अपनी पूरी इंद्रियों में काबू पा लिया है तो इनको जितेंद्रीय भी बोला गया इनको केवलिन भी बोला गया केवलिन मतलब परफेक्टली लर्न जिसको सब कुछ पता है ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्लियर अच्छा जैन फिलॉसफी में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक टर्म अगर कभी पूछ ले आपसे बिकॉज ये टर्म कभी हो सकता है पूछ ले बसाडीज का मतलब क्या होता है बसाडीज तो जो जैन की मोनास्ट्रीज मुनास्ट, हैं ऐसे समझ लो यानी कि जो जैन धर्म के लोग जैन मोनास्ट्रीज का मतलब होता है जैसे कि जहाँ पे जैन धर्म के लोग रहते हैं या फिर पूजा वगैरह करते हैं तो उनको मोनास्ट्रीज बोलते हैं ठीक है ठीके? तो जो जैन मोनास्ट्रीज हैं उनको खासकर जो हमारा साउथ इंडिया है कर्नाटक वगैरह में आप जाएंगे तो काफ़ी जैन धर्म के आपको लोग मिलेंगे ठीक है और वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर भी हैं जैन धर्म से संबंधित जो भी हम आगे देखेंगे तो वहाँ पे इन जो मोनास्ट्रीज हैं उनको हम बसाडीज़ के नाम से जानते हैं ठीक जैन फिलॉसफी पे आते हैं फिलॉसफी मतलब किन चीज़ों पे ये बिलीव करते हैं तो जैन धर्म में ये मानना है कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए आ, 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 ये रिपीट मोक्ष का मतलब क्या होता है देखिए जब आपकी डेथ होती है ऐसा माना जाता है धर्म में कि अगर आपने सही कर्म किए सारी चीजें आपने अपना सोल जो आपकी एक तरह से आत्मा है उस पर पूरा काबू पा ली इस तरह से जो चीज़ें होती हैं तो आपको फिर दूसरा शरीर नहीं मिलेगा आपको मोक्ष मिलेगा नहीं कि आप भगवान के घर जाओगे ठीक है तो इसमें ये बोला गया कि मोक्ष अगर आपको चाहिए तो ये तीन प्रिंसिपल्स हैं तीन उपदेश हैं दिए इनको फॉलो करके आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं और वो है के एफ सी क्या ये के एफ सी है ना वो वाला के एफ सी नहीं जो आप समझ रहे हैं के से यहां पे नॉलेज एफ से है यहां पे फेथ और सी से है यहां पे कंडक्ट राइट नॉलेज यानी कि इसको हम बोलते हैं साम्यक जानना यानी कि सही नॉलेज रखना है आपको सही ज्ञान अर्जित करना है साम्यक जानना राइट right फेथ इसको हम बोलते हैं साम्यक साम्यक दर्शन ठीक है यानी कि सही हमें चीजें देखनी है और सही चीजों पे फेथ रखना है और राइट कंडक्ट यानी सही एक तरह से चरित्र रखना है यानी कि साम्यक चरित्र सही अपना कंडक्ट रखना है सही अच्छी चीजें करनी है तो ही आपको मोक्ष मिलेगा नाउ कमिंग ऑन टू दी फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग किस तरह से रहना चाहिए इनको फाइव वोज ऑफ जैनिज्म धर्म बोलते हैं या फिर इन्हीं को ही हम क्या बोलते है? हैं अनुव्रताज इन्हीं को ही हम बोलते हैं अनुव्रताज यह है अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस यानी कि हिंसा नहीं करनी यहां तक कि जैसे अभी मैंने बताया जैन धर्म इतना ज्यादा वो एक्सट्रीमिटी एक्सट्रीमिज्म में जाते हैं कि और यही कारण है कि क्यों जैन धर्म उतना ज्यादा नहीं फैल पाया इंडिया में इंडिया में तो बुद्धिज्म धर्म तो वो भी नहीं है जैन के धर्म के कंपैरिजन में और भी कम है बुद्धिज्म धर्म अगर हम देखें तो बहुत ही कम है ठीक है लेकिन बाकी देशों में चले जाओ चाइना जापान श्रीलंका म्यांमार थाईलैंड यहां पर बुद्धि बुद्धिस्ट धर्म बहुत फैला हुआ है तो ये जो धर्म है जैन उतना नहीं फैल पाया क्योंकि ये लोग बहुत एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं अब अहिंसा का मतलब नॉन वायलेंस तो ये एकदम एक्सट्रीम फॉर्म में गए कि एग्रीकल्चर भी मत करो एग्रीकल्चर मत करो क्योंकि जब तुम फावड़ा चलाओगे तो खेतों में कोई मान लो माइक्रो छोटा सा कोई जीव होगा वो मर जाएगा इतना तक अहिंसा की ये बात करते थे तो फिर इसी वजह से बहुत ज़्यादा लोग अगर कपड़े बिल्कुल मत पहनो बिल्कुल मत बोलो तो इसी वजह से बहुत लोग अब उनके पास एक ऑल्टरनेटिव था क्योंकि जैन और बुद्धिज़्म एक तरह से पैरल ही चल रहे थे ठीक है तो जब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे आप हो आप ये वीडियो को लेक्चर क्यों देख रहे हो आप या फिर आपने कोर्स मैनुअल क्यों किया कि आपको लगता है कि यार बुक पढ़ेंगे डिफरेंट टर्म्स को समझेंगे खुद से गूगल करना पड़ेगा फिर उसको समझे समझना पड़ेगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा फिर नोट्स कैसे बनाने तो इससे अच्छा है वीडियो से कर लेते हैं जब आपके पास कोई एक ऑल्टरनेटिव होता है तो आप वो करते उस चीज़ को नहीं होता तो फिर आप बुक ही पढ़ते हैं सिंपल उसी तरह से लोगों के पास जब ऑल्टरनेटिव था एक बुद्धिज्म धर्म करके जहां पे इतना एक्सट्रीमिज्म नहीं था तो उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया सिंपल ठीक है तो इस वजह से उतना वो फैल गया सत्य की अगर बात करें यानी कि सिर्फ हमें सत्य बोलना ट्रुथ बोलना है अस्ते यानी कि डू नॉट स्टील कोई चुराना नहीं है ठीक है चोरी नहीं करनी है ब्रह्मचर्य सेक्शुअली मोनोग यानी कि ऐसा नहीं कि समझ रहे हो यानी कि अपनी जो सेक्शुअल एनर्जीज हैं ये माना जाता है कि उनको ये हर धर्म में वैसे हम अगर देखें सिर्फ जैनिज्म बुद्धिज्म यस हिंदुज़म धर्म में भी है ऑलमोस्ट सारे धर्म में कि ब्रह्मचर्य कल भी मैंने बताया था एक खासकर स्टूडेंट को ब्रह्मचर्य को का पालन करना चाहिए यानी कि जो अपनी एनर्जीज हैं उनको फालतू की चीज़ों में नहीं समझ रहे हैं आप ठीक है तो अपारिग्रह डिटैच फ्रॉम मटीरियल थिंग्स पीपल एंड प्लेसेस यानी कि डिटैचमेंट रखना है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी से ये आप हैं ठीक है ये कोई है ठीक है ये कोई है मान लो ठीक है अब आपने अटैचमेंट रख लिया तो मान लो इनको चोट लगी तो आपको भी चोट लगेगी ठीक है ये आपको छोड़ के मान लो कि गई ठीक है तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा बहुत ज़्यादा दुख होगा है ना तो इसलिए अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी से अटैचमेंट ना ही रखो तो आपको ना तो ज़्यादा कुछ खुशी होगी ना ज़्यादा गम होगा और ऑलमोस्ट अगेन हर धर्म में यही माना जाता है कि ना तो हमें बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा गम में होना चाहिए और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम चीज़ों से अटैच नहीं होंगे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा मान लो मेरा लैपटॉप है मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो गया जैसे कि क्या सुंदर मेरा लैपटॉप लैप है नया नया लैपटॉप आया मेरा ऐसा फॉर एग्जाम्पल मैं कंसिडर करने लगूँ और थोड़ा सा भी उसमें मान लो कि किसी ने कुछ स्क्रैच चला दिया तो फिर मैं क्या होगा मैं काफ़ी गुस्सा हो जाऊँगा है ना मैं अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पाऊँगा वो क्यों हुआ क्योंकि मैंने खुद को उससे अटैच कर लिया था है ना थोड़ा सा ज्ञान भी दे देते हैं आपको बीच बीच में ताकि है ना आपकी लाइफ थोड़ी और आसान हो सके डिविजन्स अमंग जेंट्स अब हुआ क्या चंद्रगुप्त मौर्य का आप में से काफी लोगों ने नाम सुना होगा कितने लोगों ने सुना जरा बताओ हम्म कितने लोगों ने आप में से नाम सुना है चंद्रगुप्त मौर्य का जल्दी से बताइए पहले <laughs> मैक्सिमम लोगों ने मतलब सुना है ठीक तो हुआ क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने एक थोड़ी सी गलती कर दी गलती क्या करी उन्होंने सिलिकस निकेटर के हर, को हराने के चक्कर में जो उनका मेन गढ़ था मगध वहाँ से निकल के वो काफ़ी दूर अफगानिस्तान वाले जो प्रोविंस में वहाँ पे गए अपनी पूरी सेना वेना सब रिसोर्सेज लेके कर वहाँ पर गए जिससे हुआ क्या जीत तो लिया लेकिन यहाँ पे जो उनका गढ़ था वहाँ पे एक तरह से स्कार सिटी फैमाइन भुखमरी अकाल फैल गया एकदम और इसकी वजह से हुआ क्या कि लोगों के बीच में बहुत रिसेंटमेंट गुस्सा आ गया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यह सोचा कि क्यों ना जैन धर्म को अपना ले क्योंकि यहां बोलते हैं कि बहुत कम खाओ बिल्कुल ना वो लोग कुछ भी मत पहनो तो जैन धर्म को अगर मैं अपना लूंगा तो बाकी मेरी जो प्रजा है वो भी अपना लेगी इससे क्या है हमारे रिसोर्सेज पे जो अभी कमी है वो और थोड़ा सा हम उसको सह पाएंगे अब वो फिर भी उतना कंट्रोल में हो नहीं पा रहा था तो ये क्या किया क्या इन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य थे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने क्या किया लिया अपने एक साथी भद्रबाहु को ठीक है और निकल पड़े साउथ इंडिया की ओर कहाँ कर्नाटक में और इनको अप अकंपनी किया जो इनके मंक्स थे, काफी लोगों ने इनको अकंपनी किया इनको लगा कि साउथ इंडिया में चले जाते हैं तब तक यहां पे चीजें सही हो जाएंगी ये लोग चले गए चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म में कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो गए इन्होंने कर दिया क्या सल्ले खाना ठीक है इन्होंने क्या किया सल्ले खान अब सल्ले खान क्या होता है? सल्ले खान का मतलब होता है डेथ बाय फास्टिंग यानी कि जैन धर्म में यह होता है कि आप अपनी शरीर को छोड़ देते हो किस मेथड से फास्टिंग करके उपवास रख नहीं खाओगे जब तक मर नहीं जाओगे ये होता है सल्ले खान और ये इन्होंने किया और इनकी डेथ हो गई ये जो अगर मैं बात करूं जो फेमाइन आया मगध में फेमाइन इन जो मगध आया ये अराउंड मतलब एग्जैक्टली exactly तो डेट नहीं है लेकिन हाँ अराउंड 303 हंड्रेड के अराउंड कहीं 305 कहीं 300 इस तरह से आपको देखने को मिलेगी तो इस अराउंड पे ये फेमाइन आया ये लोग चले गए इनकी डेथ डेथ हो, <laughs> हो गई मौर्य जी की अब इनके जो ये थे भद्र इनको लगा अब चलो चलते हैं कहाँ जहाँ से आए थे नॉर्थ इंडिया में जहाँ से आए थे वहीं चलते हैं और देखते हैं चीज़ें सही हुई कि नहीं जब ये लौट के वापस आए तो इन्होंने देखा कि यार यहाँ के लोग तो जैसे हम छोड़ के गए थे वैसे तो नहीं है ये लोग तो सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं ये तो वाइट क्लोथ पहने हुए हैं कैसे क्लोथ पहने हुए वाइट क्लोथ पहने हुए हैं सफेद वस्त्र तो और वो उनका जो लीडर था वो जो वहां पे जो लोग रुक गए जो लोग टिक गए जो लोग जैन धर्म को तो अपना लिए थे लेकिन गए नहीं थे इनके साथ उनको बोला गया क्या उनको अभी उनको या फिर अभी उनका लीडर की अगर हम बात करें उनका लीडर था स्थूलभद्र स्थूलभद्र लीडर था तो भद्र बाहु ने स्थूल का मतलब क्या होता है स्थूल का मतलब होता है आ, कि जो अपनी जगह से बिल्कुल ना हिले डुले मतलब वो वहीं पर रह जाए तो वो ये वहीं पर रह गए थे भद्रबा ने पूछा स्थल भद्र से क्यों भाई क्या देख रहे हैं ये सफेद कपड़े कहाँ से तुम लाए तो स्थूल ब, और ये तुमने भूल गए कि जैन धर्म में क्या मान्यता है कि हमें बिल्कुल कपड़े नहीं पहनने होते हैं तो स्थूल भद्र ने बोला देखो ऐसा है कि फेमाइन फैला हुआ था तो सभी लोग जो है नंगे हो गए यानी कि किसी के पास कपड़े उतने नहीं बचे तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते थे इसमें से कौन जैन है और कौन जैन नहीं है तो इसलिए हमने क्या किया सबको बोल दिया जैन वालों को कि आप सफ़ेद कपड़ा पहन लो ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें एक दूसरे को बदरान बोला ऐसा नहीं चलेगा बिजली कड़क गई बिजली कड़क गई फिर क्या होगा फिर जो है बुलाई गई जैन काउंसिल है ना जैसे गाँव में नहीं जब लड़ाई हो जाती तो पंचायत बुलाई जाती है तो बुलाई गई जैन काउंसिल तो फर्स्ट जैन काउंसिल हुई फर्स्ट जैन समिति हुई ये वो करने के लिए भद्रबाहु ने बॉयकॉट कर दिया उस काउंसिल का अब भद्रबाहु ने जब बॉयकॉट कर दिया तो यहां से डिवीजन हो गया जेंट्स के बीच में भद्रबाहु ने जिस सेक्शन को लीड किया गया मतलब जिसको लीड किया उनको हम बोलते हैं दी गांबर ठीक है और जिन्होंने जिसको लीड किया स्थूल बतने उनको हम बोलते हैं श्वेत श्वेत मतलब सफेद ठीक है अंबर अब दी गांबरों का मानना है कि अंबर यानी कि एक तरह से हम वस्त्र इसलिए नहीं धारण करते कि पूरा आकाश ही हमारा वस्त्र है स्थूल भद्र वाले क्या है श्वेत अंबर यानी कि हम सफेद वस्त्र धारण करेंगे ठीक है तो श्वेतांबर सेक्ट को लीड किया स्थूल ने, भद्र ने दीगाम्बर को भद्रबाहू ने कहाँ पे डिविजन हुआ फर्स्ट जैन काउंसिल कब हुई है फर्स्ट जैन काउंसिल अराउंड टू नाइन्टी एट के अराउंड ये हमें देखने को मिलती है फर्स्ट जैन काउंसिल ठीक है और यहीं पे जैन धर्म में अंग अंग होते हैं ठीक है तो बारह अंग होते हैं इसमें और इनको कंपाइल किया गया मतलब एक तरह से लिटरेचर है इसका किसका जैन धर्म का लिटरेचर है अब जो जो जैन धर्म का जो लिटरेचर है वो संस्कृत में देखने को नहीं मिलेगा आपको नहीं। ये देखने को मिलेगा तुम्हें किस लैंग्वेज में बस लैंग्वेज ही पूछेगा ये तुम्हें प्राकृत लैंग्वेज में देखने को मिलेगा क्यों आप में से मैक्सिमम लोग यहाँ पे हिंदू धर्म के होंगे ठीक कितने हिंदू ग्रंथ आपने पढ़े हैं आपने क्या वेद पढ़े हैं आपने उपनिषद पढ़े हैं आपने ब्राह्मणास पढ़े हैं बताइए मैंने खुद नहीं पढ़े आपने भी नहीं पढ़े होंगे क्यों क्योंकि वो संस्कृत में है और ये आर्यंस जो लैंग्वेज बारे में कल देखे थे हम लोग ये आर्यंस की लैंग्वेज है क्योंकि हमें समझ नहीं आती है क्योंकि हमें समझ नहीं आती है तो जैन और बुद्धिज्म धर्म के जितने भी लिटरेचर देखोगे ज्यादातर आपको जैन के प्राकृत और बुद्धिज्म के देखेंगे पाली में लैंग्वेज में होंगे क्यों क्योंकि ये लैंग्वेज ऑफ द मासेज है इसको सब समझ सकते थे सब जानते थे उस टाइम पे तो इसलिए ये इसी ये, ये भी एक कारण है कि क्यों ये धर्म इतना और फैले ये दोनों धर्म क्यों क्योंकि ये लैंग्वेज को लोग आराम से समझ सकते थे ठीक फर्स्ट जैन काउंसिल के साथ साथ सेकेंड जैन काउंसिल में बस इतना पता होना चाहिए आपको और एक चीज कि इसको पैटर्नाइज किसने किया था ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि इसको पैटर्नाइज किसने किया था पैटर्नाइज का मतलब है इसका खर्चा वर्चा किसने उठाया था पैटर्नाइज बाई बिंदुसार चंद्रगुप्त के जो बेटे थे कहीं कहीं पे हो सकता है चंद्रगुप्त मौर्य भी देखने को मिलेगा आपको लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं होगा रीजन बीइंग कि चंद्रगुप्त मौर्य ने तो वहीं से अल्ले खान कर दिया था ये लोग जब वापस लौट के आए थे ठीक है ये लोग जब वापस लौट के आए थे तभी तो ये फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी तो चंद्रगुप्त मौर्य कैसे इसको पैटरनाइज कर देंगे ठीक है तो बिंदुसार जो चंद्रगुप्त के बेटे थे उन्होंने इसको पैटरनाइज किया था क्लियर और सेकंड जैन काउंसिल अगर पूछ ले कभी तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता होना चाहिए बस हमें यह पता होना चाहिए कि कहाँ पे हुई थी तो सेकंड जैन काउंसिल अगर पूछ ले तो ये हुई थी आपकी वल्लभी गुजरात में वल्लभी गुजरात और ये काफ़ी बाद में हुई थी जाके मतलब कि जैसे अभी मैंने बताया ये अराउंड टू नाइनटी हुई थी और सेकेंड जैन काउंसिल लगभग पाँच सौ में हुई थी ए समझ रहे हो अभी एनो नो ठीक है चलो यानी कि जिस एस क्राइस काइस के जन्म के बाद की चीज़ें हम बात कर रहे हैं लिटरेचर में सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए प्राकृत में बात करते हैं जैन के आर्किटेक्चर के बारे में यानी कि जो चीजें जैन धर्म की बनाई गई हैं जैसे रॉक कट केव टेम्पल की अगर हम बात करें ये आपको देखने को मिलेंगे कहां पर उड़ीसा में जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं उड़ीसा में रॉक रॉक कट का मतलब क्या होता है चट्टान उसको काट काट के उसमें गुफा बना दिए टेम्पल बना दिए ऐसा ठीक है और ये उड़ीसा में आपको इनको बोलते हैं हाथी गुम्फा हाथी गुम्फा केव्स कहां पे हैं उड़ीसा में और ये खरा वेला ठीक है खरा वेला जगह में तो हाथी गुंफा केव्स ऑफ खरा वेला जैन धर्म से संबंधित है उड़ीसा में उदयगिरी खंड ये जो आप केव्स देख रहे उदयगिरी और खंडगिरी वाली हैं, ठीक है उदयगिरी एंड खंडगिरी खंडगिरी कहाँ पे? उड़ीसा में ही आपके दिलवाड़ा जैन टेम्पल आई थिंक सभी ने नाम सुना भी होगा कहां पे हैं ये हैं आपके राजस्थान की जो माउंट अबू की पहाड़ियां हैं वहां पे ही है। जो वास्तुपाल ब्रदर्स हैं, उन्होंने इसको बनवाया था ठीक है वास्तुपाल जो ब्रदर्स हैं, उन्होंने ठीक है राजस्थान के माउंट अबू जो हिल्स हैं, वहां पे आपको देखने को मिलेगा दिलवाड़ा जैन टेम्पल जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर बाहुबली जो हमारे पहले जैन जैन धर्म के तीर्थंकर थे कौन थे ऋषभदेव जो उनके बेटे थे उनका नाम था ये बाहुबली गोमतेश्वर उनका बहुत बड़ा स्टैच्यू आप जो अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बना हुआ है कहां पे कोई गेस्ट करना चाहिए कहां पे है ये आपका कर्नाटक में फेस्टिवल जिन लोगों ने स्टैटिक जीके पढ़ रखा है मेरे से उन लोगों को पता है कर्नाटक मैंने फेस्टिवल एक बताया था अभिषेक और महामत्स्य अभिषेक में यही किया जाता है कि यहां पे लोग खड़े होते हैं और दूध शहद ये सब डालते हैं और ये यहीं पे होता है ये फेस्टिवल अभिषेक ठीक है मत्स्य अभिषेक ठीक ये कहां पे है ये आपका श्रवन बेल गोला में है जहां पे आपके गौतम सॉरी चंद्रगुप्त जो मौर रहे हैं श्रवण बेल गोला यहीं पे गए थे कर्नाटक में आई थिंक यहां पे मैंने वो चीज नहीं लिखी है लिखी है नहीं लिखी है चलो यहां पे लिख देता हूं कहां पे श्रवण बेल गोला ठीक है श्रवण बेल गोला कर्नाटका में जहां पर इन्होंने खाना किया था ठीक है और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा ये स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर या फिर बाहुबली पैटर्न देख लेते हैं पैटर्न का मतलब क्या होता है जिसने पैटर्नाइज किया जिसने कौन से हमारे किंग थे राजा थे जिन्होंने इस धर्म का को माना प्रचार किया या फिर उसका सपोर्ट किया चंद्रगुप्त मौर्य तो एक सबसे बड़े हो जाएंगे ठीक है चंद्र गुप्त मौर्य ठीक है सबसे बड़े तो यही हमारे हो जाएंगे इनके बेटे हमने देखा इन्होंने पैटर्नाइज़ किया पहली जो जैन काउंसिल हुई ध्यान रखना बिंबिसार और बिंदुसार में अंतर है ठीक है ये बिंदुसार की बात कर रहा हूं बिंदुसार बेटे चंद्रगुप्त मौर्य के ठीक है और चंद्रगुप्त ने धर्म जैन धर्म को माना था एक है बिंबिसार इन्होंने भी पैटरनाइज किया था लेकिन जो बिंबिसार थे ही वॉज दी कंटेम्प्ररी ऑफ महावीर एंड बुद्धा मतलब कंटेम्प्रेरी ऑफ महावीर एंड बुद्धा इसका मतलब ये है कि इनके समकालीन थे यानी कि जब ये लोग जिंदा थे मतलब ये लोग जब रह रहे थे तभी ये भी एग्जिस्टेंस में थे उस समय है ना यानी कि ये दोनों लोग आपस में मिल सकते थे समझ रहे हैं आप ये क्या है कि काफी बाद में आए लोग चंद्रगुप्त मौर्य और, और बिंदुसार लोग ठीक है तो बिंबिसार और अजात शत्रु ठीक है इनके बेटे तो इन्होंने भी इनको इसको पैटर्नाइज किया यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं दिन हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे रिलीजन पे एंड दैट इज़ बुद्धिज़म और आज मैंने एड्स हटा दिए हैं पूरी तरह से आई थिंक आपको क्लास के शुरू में भी कोई ऐड देखने को नहीं मिला होगा और बीच में तो देखने को मिलेगा नहीं बिकॉज मैंने सारे ऐड हटा दिए हैं वीडियो से अब बीच आगे आ जाता है तो मुझे पता नहीं वो फिर आई थिंक यूट्यूब का कुछ आई थिंक ऐसा मैंडेटरी पॉलिसी है कि शुरू और लास्ट में ऐड वो डालता ही है पता नहीं है मुझे लेकिन बीच में तो फॉर श्योर sure नहीं आने वाला बिकॉज़ मैंने पूरी तरह से ऐड हटा दी है बिल्कुल वो हरेंका डायनेस्टी से तो हम सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे ठीक है आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी वो सारी डायनेस्टीज सर प्राइस भी ऑप्शन दे दो अच्छा सिक्स मंथ का ऑप्शन प्राइस कम करके अच्छा चलो देखते हैं अगर पॉसिबल होता तो य थोड़ा गड़बड़ है गड़बड़ नहीं है वो वो उसी लिए मैंने बता दिया था कि ये कॉमेंट आएगा गड़बड़ है आपको मुझे पता है ये 303 बेस बीसी की जगह 200 हो सकता है अंठानवे बी देखने को मिले ठीक है और जैन काउंसिल मैंने बताया बिंदुसार की जगह चंद्रगुप्त मौर्य देखने को मिलेगा इसका मतलब ये थोड़ी ना वही सही है वही टेक सही है आप खुद ही यहाँ पर जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसका सिर्फ एक सोर्स नहीं यहाँ पर मैंने एन भी सोर्स बना के लिखा है और एन में ये साफ साफ लिखा हुआ है अगर आपको बता दूँ कि फर्स्ट जैन काउंसिल को भद्र ने बॉयकॉट किस कर देंगे खुद ही सोचो है ना चलो आगे बढ़ते हैं जैन आर्किटेक्चर हो गया अब आते हैं बुद्धिज्म पे ऑलिट सिंपल कहाँ जन्म हुआ डेथ ये सारी चीज़ें देखते हैं जल्दी से इसमें इतना भूमिका बांधने की जरूरत ना होनी चाहिए है ना बाकी मैंने बता दिया कॉज ऑफ रीजन सारी चीज़ें क्या है और इसमें कोई तीर्थंकर इस तरह से नहीं थे कि ये किस नंबर के थे ये ये पहले नंबर के थे ही वॉज दी ओनली वन हम बोल सकते हैं ठीक है जैन जैसे जैन धर्म में होते ना पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचे इस तरह से ये पहले ही थे फाउंडर कौन थे इस धर्म के गौतम बुद्ध थे इनका जन्म कब हुआ फाइव सिक्सटी में हुआ कहाँ पर लुम्बिनी नेपाल में लुम्बिनी नेपाल में हुआ ठीक है और चलो हम बाद में देख लेंगे सारी चीजें कि इनके जो जन्म है उसको हम किस चीज से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं डेथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं जो ग्रह था किया था उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम अलग से देख लेंगे ठीक है डेथ के पहले डेथ देख लेते हैं ठीक है डेथ की अगर बात करें कि हुई तो फोर एट्टी में जल्दी से बताइए कितने साल जिए होंगे फिर ये कहां पर हुई कुशीनगर में याद कैसे रखेंगे इसको कि कुशीनगर में है कि खुशी खुशी जैसे उन्होंने उन उनके आखिरी पाँव पड़े थे जैन महावीर जी के तो हमने याद किया था पावापुरी ये खुशी खुशी इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया तो खुशीनगर ठीक है कुशीनगर सिंपल इस तरह से हम याद कर सकते हैं और अगर हम बात करें कि, कि किस क्लैन से बिलोंग करते थे अगर इस तरह से पूछ ले तो ये साक्या जो क्लैन होती थी साक्या क्लैन उससे बिलोंग करते थे क्षत्रिय क्लैन होती है फादर की अगर बात करें तो इनका ना, इनके फादर का नाम था सुदोधन ठीक है सुदोधन और इनके बचपन का नाम ठीक है चाइल्डहुड नेम जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि जो पिता का नाम था महावीर जी के उनके बचपन का नाम था एंड दैट वॉज वॉट सिद्धार्थ इनका नाम तो सिद्धार्थ था बाद में बने ये गौतम बुद्ध जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है ना सुदोधन और इनकी जो मदर का नेम था वो महामाया था ठीक है थोड़ा मायावती से रिलेट कर सकते हो कुछ भी करके कि जैसे महा मायावती माया हैं तो वो दलितों की लीडर हैं है, है ना तो जो हमारे यशूदराज होते हैं वो ज़्यादातर बुद्ध धर्म को अपनाते हैं तो इस तरह से थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हो स्टेप मदर मतलब स्टेप मदर का मतलब है जो हमारे गौतम बुद्ध क्योंकि गौतम बुद्ध जी की जो माता श्री थी उनकी डेथ काफ़ी जल्दी हो गई थी जब वो बुद्ध जी छोटे थे तो इनकी एक तरह से हम बोल सकते हैं जो मौसी थी तो इन्होंने इनको पाला और उनका नाम क्या था इनका नाम था महाप्रजापति गौतमी महा प्रजापति गौतमी हमने जिस तरह देखा कि महावीर जी के दामाद पहले डिसाइपल बने शिष्य बने किसके महावीर जी के उसी तरह महाप्रजापति गौतमी जो इनकी स्टेप मदर थी वो पहली भिखुनी बनी भिखुनी मतलब एक तरह से जो बुद्ध धर्म को फॉलो करती हैं फीमेल्स विमेन उनको भिखुनी बोला जाता है भिखू भिच्छू और भिखुनी ठीक है तो ये फर्स्ट शी वॉज दी फर्स्ट भिखुनी मौसी हो तो ऐसी है ना चलो तो वाइफ की अगर बात करें तो वाइफ कौन थी वहां पे उनकी थी यशोदा और यहां इनकी है यशोधरा और सन की अगर बात करें बेटे बात करें राहुल लेफ्ट होम एट द एज ऑफ किस उम्र में इन्होंने ग्रह त्याग किया तो इन्होंने एट द एज ऑफ ट्वेंटी नाइन उन्होंने तीस की उम्र में किया था ठीक और सॉरी और इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं चलो वो भी आई थिंक समराइज ही मैं कर दूंगा आखिर में ठीक है तो 29 की एज में उन्होंने अपना ग्रह त्याग किया और इनके जो पहले टीचर बने यहां पर मैं लिख देता हूँ इनके फर्स्ट टीचर कौन थे क्योंकि टीचर के बिना तो ज्ञान मिलता नहीं है, है ना तो फर्स्ट टीचर इनके थे अलरा कलमा और जो इनके दूसरे टीचर थे उनका नाम था उद्रक रामपुत्र उद्रक रामपुत्र एनलाइटेनमेंट की अगर बात करें कि जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो कहां पे हुई बोधि ट्री के नीचे उरुवेला नामक जो जगह है कहां पे उरुवेला जो कहां पड़ती है बोध गया में पड़ती है कहाँ? बोध गया किस ट्री के नीचे अंडर ट्री बुद्धि ट्री को तो मतलब काफी सारे रूलर्स ने मतलब आए थे बाद में कटवा टवा दिया लेकिन हाँ इसकी एक ब्रांच हमें देखने को मिलती है जिसको कि अशोक की जो बेटी थी उन्होंने जाके श्रीलंका में इसको प्लांट किया था खैर कौन से रिवर अगर आपसे आप पूछ ले कौन सी रिवर निरंजना रिवर ठीक है उनकी कौन सी रिवर थी रिज्जू पालिका इनकी कौन सी निरंजना रिवर फर्स्ट सरमन की अगर बात करें पहला उपदेश कहाँ पे दिया सारनाथ वाराणसी वाराणसी में दिया और अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि इनको जो, जो डिफरेंट और एक चीज़ ध्यान रखना चलो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो इनके डिफरेंट लाइफ इवेंट्स हैं इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स हैं उनको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं तो जो बर्थ है इसको हम लोटस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम बोलते हैं जन्म के नाम से जानते हैं जन्म जो इनका जो ग्रह त्याग था हाउस का इनउंसिएशन किया था इसको हॉर्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं इनके जो हॉर्स का नाम था कभी अगर आपसे पूछ ले तो कंठक था जिस हॉर्स से ये भागे थे एक्चुअली था क्या कि चाहे वो महावीर हों चाहे ये बुद्ध जी जैसे बुद्ध जी राजा के ही बेटे थे बहुत अमीर थे तो इनकी शादी भी बहुत जल्दी इसी वजह से कर दी थी इनके जो पिता थे इसलिए शादी इनकी जल्दी कर दी थी ताकि ये बाहर ना जाए सारे सुख हम अपने बच्चे को यहीं पे दे, दे दें ताकि ये जाके कहीं मतलब भटक ना जाए है ना क्योंकि उनको डर था इस चीज का और जिस चीज को उनका डर था अब जैसे वो जब वो बाहर जाते थे बुद्ध जी जब बाहर जाते तो ये तो ये बोला जाता है कि उनके जो पिता थे वो सारी चीज़ों को अच्छा करवा देते थे ताकि उनको कोई भी गरीबी ना दिखे उनको भुखमरी ना दिखे उनको पीड़ा ना दिखे लेकिन जब एक बार ऐसे ही वो आ, मतलब मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे ही वो चले गए और अपने पिता को बिना बताए तब उन्होंने एक ये ना कि एक भूखे इंसान को देखा एक बूढ़े इंसान को देखा जो दर्द में था ठीक है तो ये डिफरेंट उन्होंने इस तरह के लोगों को देखा और वहां से उनके मन में ये चीज आई कि मतलब लाइफ में तो बहुत सफरिंग्स है लाइफ में तो बहुत पीड़ा है और वहीं से हम देखेंगे किस तरह से ये चार नोबल ट्रूथ आते हैं बुद्ध धर्म के कि अभी चलो वो देखेंगे लेकिन पहले इसको कंप्लीट करते हैं एनलाइटेनमेंट जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको निर्वाण बोलते हैं उसको निर्वाण बोलते हैं और ये बोधि ट्री से रिप्रेजेंट किया जाता है जिस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई पहला उपदेश जो इन्होंने दिया उसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं जिसको बोलते हैं इंग्लिश में टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ और इसको रिप्रेजेंट भी व्हील से करते हैं और इनकी जो डेथ है उसको महापरिनिर्वाण ठीक है या फिर परिनिर्वाण बोला जाता है महापरिनिर्वाण या फिर परिनिर्वाण और इसको स्तूप से रिप्रेजेंट करते हैं स्तूपा को भी हम लास्ट में देखेंगे कि स्तूपा इंपॉर्टेंट है से भी क्वेश्चन आते हैं स्तूपा से भी क्लियर और एक चीज ध्यान रखना कहीं कहीं पे हो सकता है कि आपको घोड़े का नाम चन्ना दिख जाए लेकिन चन्ना जो था वो इनके चैरियट चैरियट आप समझते हैं ना जैसे कि ये होता है चैरियट जिसमें कि इंसान बैठता है और ये होता है घोड़ा जिसको इस चैरियट को रथ जिसको हम बोल सकते हैं चैरियट मतलब रथ ठीक तो रथ का नाम था चन्ना तो आईओ क्लियर हो गया है कि किसको क्या बोला जाता है और किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है नाउ ये अब आते हैं बुद्धिज्म बुद्धिज्म धर्म के फिलोसफीज़ पे जिस तरह हमने जैन धर्म की फिलोसफीज़ देखा केएफसी राइट नॉलेज राइट फेथ राइट कंडक्ट फाइव उनके वर्ब्स देखे अब इनके बुद्धिज़्म धर्म में चार फोर नोबल ट्रूथ होते हैं बुद्ध जी बोलते हैं कि इस संसार में अब इसको थोड़ा फील करना ठीक है तुम लोगों के भी हो सकता है कुछ दुख दर्द थोड़े से हो सकता है कम हो कि द ट्रूथ मतलब दिस लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग यानी कि जो संसार है वो दुखों से भरा हुआ है और इस दुख का एक कारण है देर इज अ कॉज टू द सफरिंग और वो क्या है वो है डिजायर डिजायर्स आर द रूट कॉज ऑफ द सफरिंग जो हम डिजायर इच्छाएं इच्छाएं हैं हमारी जो सफ़र कर रहे हैं जो हमारी पीड़ा का जो मेन ओ है कि हमें ये चाहिए सी जी एल में एक पोस्ट मिल गई बट फिर भी हमें ये चाहिए वो मिल गया फिर हमें यू पी एस सी देना है वो हो गया ऐसी लड़की चाहिए हमें या फिर ऐसा लड़का चाहिए शादी करने के लिए वो हो गया फिर हमारे पास ऐसे कार होना चाहिए ऐसा घर होना चाहिए और हर चीज़ तो हम जो डिमांड करते हैं वो तो मिलती नहीं जाती है कि जो हमने डिमांड किया वो मिल गई बिकॉज लाइफ में इतने अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं क्योंकि लाइफ आपके अगर मान लो कि आपके सब के कंट्रोल में चलने लगे तो लाइफ चली नहीं पाएगी। कोई चाहता है कि अभी अभी मतलब जैसे example, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि दोपहर तो नहीं बा, बादल नहीं धूप आ जाए ठीक है कोई मान लेते कोई बहुत ही प्लेजरफुल एक्टिविटी कर रहा है ठीक है थम जाए कोई मान लो बहुत पीड़ा से गुजर रहा है तो वो अगर वो तो यही चाहेगा ना ये समय कितना जल्दी से निकल जाए तो सब की अपनी अपनी अलग अलग इच्छाएं हैं तो सबके हिसाब से तो लाइफ चलती नहीं है तो इसी वजह से आपकी सारी डिजायर्स तो पूरी होती नहीं है तो इसी वजह से आपको क्या होती है फिर सफरिंग होती है तो अगर आपको सफरिंग एंड करनी है तो फिर आपको क्या करना है आपको इस पाथ को फॉलो करना है जिसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं क्या एट फोल्ड पाथ एट फोल्ड पाथ अष्टांग मार्ग जिसको बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं अष्टांग मार्ग या फिर अष्टांगिका मार्ग अष्टांगिका मार्ग अभी अष्टांगिका मार्ग।, मार्ग है क्या और इन सारी चीजों से जो मैंने अभी कुछ चीजें आपको बताई ना इससे वो मुझे सफर बैच याद आ रही आप में से काफी लोगों को पता होगा सफर दस रुपए वाला बैच जिसमें कि हम लोग मेडिटेशन करते हैं और कुछ ऐसा फिलोसफी मैं झाड़ता हूं कुछ वहां पे तो और वो दस रुपये का क्यों है आपको पता है क्योंकि वो फ्री हो नहीं सकता एप्लीकेशन पर ऐसा पॉसिबल नहीं और यूट्यूब पे क्यों नहीं करता हूँ उसका भी रीज़न है तो वो मैंने आ, मेंस के पहले किया था है ना सीजल मेंस के स्टूडेंट्स के लिए होपफुली काम किया बहुत सारे स्टूडेंट के लिए फिर अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ ही दिनों में ऑलराइट चलो तो उसके बारे में तब जब स्टार्ट करूँगा तब बताऊँगा अभी ठीक है अभी नहीं तो ये एट फोल्ड पाथ है क्या कि हमें सही राइट व्यू रखना है लाइफ का सही राइट व्यू रखना है राइट इंटेंशन रखनी है किसी के बारे में गलत इस तरह से नहीं सोचना है राइट स्पीच सही बोलना है हमें सही एक्शन लेना है गलत एक्शन नहीं करना है सही तरह से हमें जीवन यापन करना है ऐसा नहीं कि रात हुई नहीं कि बस मतलब रात हुई नहीं कि कुछ लोग ड्रिंक करने लगते हैं कुछ लोग पब में चले जाते हैं ये क्या है गलत लाइवलीवुड है फिर लेट उठेंगे सही, हेल्थ सही नहीं रहेगी गलत तरह के थॉट्स आएंगे क्या होगा सफरिंग डिजायर बढ़ेगी सफरिंग बढ़ेगी सिंपल राइट एफर्ट आपको मारना है सही एफर्ट नहीं मारोगे सिलेक्शन नहीं होगा फिर अगेन दर्द होगा राइट कंसनट्रेशन सही कंसेंट्रेशन के साथ पढ़ना है राइट माइंड राइट माइंडफुलनेस यानी कि सही चीज़ों से चीज़ों के बारे में सोचना है तो ये एट फोल्ड पाथ है बस थोड़ा सा इसको देख लो नॉट दैट कि एकदम रट्टा होना चाहिए एकदम से बस इतना ही पूछेगा खासकर अगर मैं सी एग्जाम की बात करूँ कि एट फोल्ड रिलेटेड टू विच रिलीजन क्या होगा तो सिंपल इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं, चलो. आगे बढ़ते हैं अब हम थोड़ा सा बुद्धिस्ट फिलोसफी देख लिया देखेंगे जिस तरह हमने ये देखा कि जैन धर्म बट गया तो श्वेतर और दीघांबर वैसे ही अब यहाँ पे हम देखेंगे बुद्धिज्म बुद्धिज्म धर्म में भी हमें कुछ सेक्ट्स देखने को मिलेंगे कुछ पार्ट्स इसमें देखने को मिलेंगे तो काउंसिल्स देख लेते हैं तो पहली जो काउंसिल है पहली जो समिति हुई वो राजगिरी में हुई फोर जीरो जीरो बी सी में कहीं कहीं पे आप फोर एट्टी थ्री बी सी देखोगे फोर एट्टी थ्री बी सी कर लो याद करने में आसानी रहेगी कैसे अभी देखेंगे ठीक है पहले तो ये इस पर फोकस करते हैं कि कहाँ पे हुई सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट यही है कि कहाँ पे हुई काउंसिल सबसे ज्यादा तो पहले आपको यही याद या होना चाहिए पहली काउंसिल हुई राजगिरी में दूसरी वैशाली तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन कश्मीर में ठीक है तो आ, कब हुई ये तो हमें याद हो जाएगा कैसे पहली वाली अगर चार सौ तिरासी में हुई तो उसके सौ साल बाद तीन सौ तिरासी में दूसरी हुई उसके ऑलमोस्ट सौ साल बाद अगर हम देखें अगर सौ तो तीन सौ तिरासी का सौ साल बाद मतलब कितना हुआ दो सौ तिरासी उसी के राउंड है तीसरी काउंसिल हुई और ये आपकी बहत्तर एडी के टाइम पर हुई ठीक है कहाँ पर हुई तो ऐसे याद कर लो कि पहले राज किया ठीक है वैशाली ने और फिर है ना पुत्र हुआ वैशाली को कहाँ पे कश्मीर में ऐसे करके कुछ मतलब याद कर सकते हैं आप कुछ रिलेट करके या फिर इसका कुछ नमोनिक बना सकते हैं आर वी पी के आर वी पी के से आपको याद रहेगा आर वी पी के आर वी पी के करेंगे कि हाँ आर से राजगिरी पहली हुई वी से वैशाली दूसरी हुई पी से पाटलिपुर तृप्ती तीसरी के से कश्मीर चौथी वाली हुई अब इसको पैटर्नेज किसने किया पैटर्नेज अगेन रिपीट क्या है इसका पैटर्नेज का मतलब किसने फंड किया किसने इस पूरा खर्चा वर्चा उठाया तो पहली वाली का अजात शत्रु याद करो बिम्बिसार का बेटा आजात शत्रु हरियंका डायनेस्टी खैर अभी वो डायनेस्टी वस्टी हमें नहीं पढ़ना है आगे देखेंगे ठीक है तो अजात शत्रु ने जैन धर्म को भी पैटर्नाइज किया था और इसको भी किया था ठीक है दूसरा काला का तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क याद कैसे कर सकते हैं ए के ए के ठीक है ए के ए के अजातशत्रु कालाशोक का, अशोक और कनिष्क इन्होंने पैटर्नाइज़ किया ठीक <coughs> अशोक के बारे में हम लोग कनिष्क के बारे में सारी चीजें आगे हम पढ़ेंगे अभी इन पर फोकस नहीं करना है प्रेसिडेंसी यानी कि किसके प्रेजिडेंटिप में हुई कौन एक तरह से चेयरमैन था अगर हम बात करें प्रेसिडेंसी का मतलब है कि कौन इनका चेयरमैन था तो पहले वाले का महाकश्यप दूसरे का सबकामी तीसरे का मोगली पुत्ता तिस्सा और चौथे का वासुमित्रा उतना ज़्यादा ये महत्वपूर्ण नहीं है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि कहाँ पर हुई फिर पैटर्नेज देन प्रेजिडेंसी और फिर अगर रिमार्क्स की बात करें तो पहले वाले में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है रिमार्क में बस आपको आखिरी वाला याद रखना है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जब हुई थी बहत्तर एडी में कनिष्क के पैटर्नज में और वासुमित्र के चेयरमैनशिप में तो बुद्धिज्म धर्म दो हिस्सों में बट गया था और यहीं से हम देखेंगे क्या डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म डिफरेंट सेक्ट्स का मतलब है कि इसमें कौन कौन से जैसे हम श्वेतांबर दीद दीगाम्बर देखे तो वैसे यहां पर डिफरेंट सेक्ट हैं कौन से हीनयान और महायान ठीक हीनयान और महायान हीनयान और महायान में अभी तक तो मैंने इस तरह से डीप में क्वेश्चन नहीं देखे हाँ यूपीएससी में जैसे पूछ लेता है कि ये लोग क्या करते थे कैसी सारी चीजें थी थोड़ा डीप में पूछा चला जाता है बट ही नयान महायान में मैं सिर्फ आपको इक्का दुक्का पॉइंट लिखाऊंगा जिससे अगर क्वेश्चन आएगा भी तो आप कर लेंगे पहली चीज ही नयान वो थे हु डिड नॉट बिलीव डिड नॉट बिलीव्ड इन आइडल वर्शिप इन आइडल वर्शिप आइडल वर्शिप का मतलब क्या है कि जो मूर्ति पूजन है उस पर ये विश्वास नहीं करते थे मूर्तियों की मैं अगर बत्ती लगा किस इस तरह से पूजा नहीं करते तो सिंपल इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा इसका उल्टा डिड बिलीव्ड इन आइडल वर्शिप सिंपल लिखने की जरूरत ना होनी चाहिए इसमें यहाँ पे दूसरे की अगर बात करें बस ये मेन फैक्ट मेन इसमें बस आपको यही याद रखना है ठीक है मेन चीज़ यही है इनके जो टेक्स्ट होते थे वो मेनली पाली में होते थे और इनके ज़्यादातर जो पार में टेक्स्ट देखने को मिलते हैं वो संस्कृत में आई अगेन रिपीट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये जो मैंने दूसरा वाला लिखा ये इंपॉर्टेंट है अगर क्वेश्चन आया भी थोड़ा सा तो इससे आपका आराम से एलिमिनेशन हो जाएगा सिंपल ठीक देखो अगेन मैं वही सेम बात बोल रहा हूँ कि मैं लिखवाने को लिखवा सकता हूँ लेकिन आपका लोड बढ़ेगा और जितना लोड देने की आवश्यकता है उतना ही मैं आपको देना चाहता हूँ फालतू में एक्स्ट्रा नहीं अब इसमें जो महायान धर्म था इसमें बोधी सत्तव का कॉन्सेप्ट है बोधी सत्तव का मतलब क्या होता है बोधि सत्वास का मतलब वो होता है वो लोग जो मेडिटेशन कर करके कर 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 होता क्या है जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है जब हम ध्यान करते हैं फिर ये माना जाता है कि आप एक ऐसे पॉइंट को रीच करते हो जहाँ पे एकदम पीस कामनेस आनंद ही आनंद होता है देखो खुशी अलग होती है और आनंद अलग होता है मैं तुम्हें अभी आईफोन ला दे दूँ एक तुम्हें खुशी मिलेगी लेकिन आनंद एक अलग चीज़ है आनंद है कि परम परम खुशी मतलब कि हमेशा वो रहेगी एग्जिस्ट जैसे कि मैंने आपको आईफोन दिया खुशी होगी कब तक खुशी होगी ज़्यादा ज़्यादा एक महीने खुशी होगी दो महीने उसके बाद क्या होगा वो आईफोन पुराना और नॉर्मल हो जाएंगी सारी चीज़ें लेकिन आनंद हमेशा रहता है है ना ना तो उसमें दुख होता है ना तो खुशी होती है वो एकदम आनंद की स्थिति होती है तो बोधि सत्तव क्या है उन्होंने अनलाइटेनमेंट कर करके ये ए, मैं मीनिंग बता रहा हूँ तो बोधि बोधिसत्यव जिन्होंने एलाइटेनमेंट करके उस स्टेट को अचीव कर लिया लेकिन उसमें उस पैराडाइज में वो एंटर नहीं कर रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं ताकि लोग भी उस अनलाइटेनमेंट उस आनंद की स्थिति में पहुँच सके तो उन्होंने अपने पैराडाइज को एक तरह से गिव अप कर दिया है आपको वहां तक पहुँचाने के लिए और कुछ बुद्धिस्ट सत्व के यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नाम वज्रपानी ठीक है अवलोकितेश्वर अवलो अवलोकितेश्वर अवलो अमिताभ ठीक है तो ये इनके नाम है डिफरेंट ठीक अब आते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिस्त या फिर बुद्ध बुद्धिस्ट लिटरेचर जैन का लिटरेचर किस में बताया था मैंने प्राकृत में इनका जो ज़्यादातर लिटरेचर है वह पाली में देखने को मिलता है ऐसा नहीं सिर्फ पाली में संस्कृत में भी है लेकिन ज्यादातर हमें पाली में क्यों पाली वॉज दी लैंग्वेज ऑफ दी मासेज तो समझने के लिए ये में लिखा गया टेस्ट को इसमें पाली में हमारे मेन हैं त्रिपिटाकाज जो आप नीचे पिटाका का मतलब क्या होता है पिटाका का मतलब होता है बास्केट कटोरी ये ये जो आप बास्केट देख रहे हो तो त्रिपिटाका तीन पिटाका है तीन पिटाका तीन, तीन बास्केट सूत का विनय का और अभिधम का धर्म को बुद्धिज्म में धम्म करके बुलाया जाता है धम्म ठीक है तो धर्म और धम्म कही कहीं ना कहीं सिनोनिमस है वो वर्ड्स ठीक है धम्म अगर कभी पूछ ले धम्म का मतलब क्या होता है अब इससे ये, ये पूछ सकता है वैसे तो ये पहला सवाल ये बनेगा कि त्रिपिता का संबंध किस धर्म से तो बुद्धिज्म धर्म से किस लैंग्वेज में पाली लैंग्वेज में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर अगर ये पूछ ले कि इनमें लिखा क्या हुआ सूत्र में क्या लिखा हुआ है तो सूत्र में बुद्धा जी की टीचिंग्स हैं बुद्ध जी ने जो हमें सिखा के गए हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सारी चीजें और इन टीचिंग्स को अगर हम बात करें जो इनका इंटरप्रटेशन है ताकि लोग समझ पाएं अच्छे से उनका इंटरप्रटेशन अभी धम पिताका में दिया हुआ यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं इंटरप्रटेशन है, है सूत्र पिताका का इंटरप्रटेशन ऑफ सूत्र पिता का और इसमें भी एक तरह से बुद्ध की टीचिंग्स ही है विनय पिताका में अगर हम बात करें तो इसमें रूल्स और कोड्स लिखे हुए हैं यानी कि मोनास्टिक कोड्स एंड रूल्स इसको याद कैसे रखेंगे मोनास्टिक कोड्स एंड रूल्स ऐसे करके याद कर लो वी आर वी आर एक टेक्नोलॉजी होती है ना वी आर है ना तो, तो वी आर करके याद कर सकते हो वी से वी और आर से रूल्स तो इसमें रूल्स वगैरह हुए हैं अब जैसे मैंने बोला कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आ, मतलब आ, पाली में ही है संस्कृत में भी है संस्कृत में भी है टेक्स्ट ठीक है एक सेकेंड इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे स्पेस स्पेस मिल जाए ठीक है आपने लिख तो लिया ही होगा इसको यहाँ पर मैं इन शॉर्ट लिख देता हूँ इंटर टेशन ऑफ सूत पिता का ठीक है अब यहां पे थोड़ा सा मैं संस्कृत टेक्स्ट को डिस्कस कर लेता हूं <coughs> संस्कृत टेक्स्ट में हमें दो पढ़ने हैं एक तो मिलिंद पन हो ठीक है मिलिंद पन हो ठीक है और पहले मिलिंद पनो देखते हैं ठीक है मिलिंद मिलिंदपनो की अगर बात करें नहीं नहीं सॉरी ये संस्कृत में नहीं ये भी पाली में ही आपका ठीक है क्योंकि नाम से ही पता चल जाता है कि पाली वाला ये संस्कृत वाला है ठीक है तो ये आपका पाली में ही है ठीक है बट ये मिलिंद पर आपको पता होना चाहिए त्रिपिता के अलावा ये क्यों ही पता होना चाहिए बिकॉज इसमें एक डिस्कॉर्स यानी कि एक चर्चा दी हुई है मिलिंद जिसको कि हम मियांडर मिला मिलियाडर के नाम से भी जानते हैं मिलिंद और नागसेन के बीच में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी याद रखिएगा अभी आई थिंक जो यू पी का जो लेटेस्ट वाला एग्जाम हुआ था पिछला वाला उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था और उसमें पता है ऑप्शन क्या दिए थे वो नागसेन और नागार्जुन बहुत लोग नागार्जुन जब पेपर करते हैं तब समझ में आता है ना अभी तो हाँ नाग 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 ठीक है अब जब वहाँ अरे नागसेन था कि नाग अर्जुन था तब वहाँ समझ आता है तो ध्यान रखना नाग अर्जुन नहीं नागसेन ऑप्शन में पक्का मिलेगा नाग अर्जुन नागसेन होगा ठीक संस्कृत अब टेक्स्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं संस्कृत में आपको याद रखना है बुद्ध चरित्र ठीक है बुद्ध चरित्र और इसको लिखा किसने अश्वघोष ने ठीक है अश्वघोष और एक टेक्स्ट और है जिनको कि हम जातक टेल्स के नाम से जानते हैं जातक टेल्स क्या है यह बुद्ध धर्म की जो प्रीवियस बर्थ है यह माना जाता है कि जो बुद्ध धर्म इससे पहले का जो इनका जन्म था उसमें उन, उनके उसके बारे में लिखा हुआ है ठीक है तो इट इज अबाउट मतलब कहानियां हैं, का मतलब कहानियां तो कहानिया? कुछ टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, बुद्ध धर्म में ये हमारा आखिरी है ठीक है इसके बाद बस स्तूपा हमें पढ़ना है खत्म करेंगे टर्म्स इन चैत्य, विहार धर्म स्तूपा एक बार मैं देख लेता हूँ कि सारी चीजें क्लियर है किसी का कुछ डाउट तो नहीं है कई बार होता है कि पता चला इंटरनेट गायब हो जाता है चैत्य तो चैत्य वो जगह है जहां पे प्रेयर करते हैं यानी कि प्रार्थना करते हैं बुद्ध धर्म के लोग विहार वो जगह है जहां पे ये लोग रिसाइड करते हैं, रहते हैं, ठीक है जहां पे लोग रहते हैं अपना उसको बोलते हैं विहार धम्म एक तरह से धर्म का कॉन्सेप्ट धर्म ही है ठीक है तो धम्म अगर कौन सा आए तो आप समझ जाना कि धम का मतलब क्या है स्तूपा क्या होता है तो अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि गौतम बुद्ध जी का जो मतलब जो जो उनका जन्म था उसको लोटस या बुल से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक जो ग्रह त्याग किया उसको हॉर्स से रिप्रेजेंट करते हैं जो उनको एनलाइटेनमेंट मिला बोधि ट्री से रिप्रेजेंट करते हैं जो उन्होंने अपना पहला शर्म दिया उपदेश दिया उसको हम व्हील से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम धर्म, धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं और जो उनकी डेथ है जिसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं निर्वाण का मतलब होता है एनलाइटेनमेंट ज्ञान की प्राप्ति महापरिनिर्वाण एकदम अनंत वाला निर्वाण मिल गया तो डेथ हो गई उसको स्तूपा से रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे इंडिया में बहुत तो स्तूपा आपको देखने को मिलेंगे यहां पे लोग आते हैं बहुत जो बुद्ध धर्म के लोग होते हैं और बहुत सारे स्तूपा इन इंडिया एंड अक्रॉस दी वर्ल्ड देखने को मिलते हैं बट बिफोर दैट स्तूपा का आपको आर्किटेक्चर पता सॉरी <स्थाँगा> का आर्किटेक्चर आपको बताना चाहिए ठीक है तो के आर्किटेक्चर अगर हम बात करेंगे तो यहां पे आप देख पा रहे कि सबसे पहले तो ये अंडा नुमा आकार का आपको कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा इसको क्या बोलते हैं अंडा बोलते हैं समझिए तो अंडा क्या है तो यहां पर मैं टर्म्स लिख देता हूं कि क्या है तो अंडा क्या है एक तरह से एक हेमी डोम है हेमी डोम है ये फिर ध्यान से समझते जाना क्वेश्चन आते हैं इस पर इसी वजह मैं बता रहा हूँ अगर मैं कुछ बता रहा हूँ ही क्वेश्चन आता है फिर उससे अंडा हो गया आपका फिर अगर हम बात करें अंडा के बाद अब क्या पढ़े तुराना पढ़ते हैं ठीक है तोराना क्या है ये आपको साफ साफ दिख रहे हैं ये गेट वे है ये क्या है गेट वे है ठीक है टुराना ये है हमारे गेट वे ठीक है तो स्तूपा एक तरह से बुद्ध धर्म से संबंधित हैं जो बुद्ध जी की डेथ को सिग्निफाई करते हैं और ये वन ऑफ दी रिलीजियस प्लेसेज हम बोल सकते हैं किसकी बुद्ध धर्म है जैसे हमारे लिए मंदिर होते हैं तो वैसे इनके लिए स्तूपा होते हैं बुद्ध धर्म में ठीक है तो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं जैसे मंदिरों के बारे में भी पढ़ेंगे जब हम अभी आएंगे ना आगे और हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे तो हम डिफरेंट चीज टर्म्स देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर होते हैं वो किस शैली में होते हैं साउथ इंडिया के मंदिर किस शैली में होते हैं सारी चीज़ें ठीक और यहाँ पर जो आप मेधी देख रहे हैं ये मेढी क्या है ये भी मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पर मेधी है ये आपका एक तरह से पेटेस्ट्रियल पाथ यहां पे इस पर्टिकुलर फिगर में ढंग से उस चीज को मतलब आप देख नहीं पा रहे हैं लेकिन जो रास्ता होता है मतलब ये जो बीच वाला जैसे कि ये तो रेलिंग हो गई रेलिंग हो गई मतलब समझ रहे हैं आप अंदर अंदर जो अंदर रास्ता होगा इसके इसके अंदर जो रास्ता होगा उसको मेधी बोलेंगे ठीक है और और कुछ ये जो ऊपर है सबसे टॉप में इसको छत्र बोलते हैं छत्र छाया है ना छत्र उप सबसे ऊपर है और उसके जस जो नीचे उसको हर्मिका बोलते हैं तो छत्र और हर्मिका आप देख लीजिए उससे आप आराम से कर पाएंगे टोराना मैंने बता दिया गेट अंडा तो नाम से ही क्लियर है हेमिस्फेरिकल डोम और मेधी क्या है वो जो पाथ है वो है ठीक है कुछ इस्तूपाज की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे काफ़ी सारे स्तूपाज़ को बिल्ड करवाया गया खासकर अशोका के द्वारा बिल्ड करवाया गया वो हम देखेंगे जब अशोका पढ़ेंगे तब भी तो कुछ इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ जैसे कि अगर मैं लार्जेस्ट की बात करूँ तो लार्जेस्ट स्तूपा है हमारा केसरिया बिहार में ये ठीक है केसरिया स्तूपा बिहार में है ठीक फिर आपका एक आ, मतलब धामेक स्तूप करके ये भी इम्पोर्टेंट है धामेक स्तूपा है और आपका एक रामभर स्तूपा है रामभर ये दोनों यूपी में है ठीक है धामे की अगर बात करें ये भी यूपी में सारनाथ में और जो आपका रामभर है ये कुशीनगर में है ठीक है कुशी नगर दोनों कहाँ पड़ते हैं यूपी में और एक आप इसको कैसे बोल सकते हैं सांची स्तूपा ठीक है ये आपका मध्य प्रदेश में एमपी में अच्छा एक अक्रॉस वर्ल्ड देख लेते हैं <coughs> ये आपका बोरो ठीक है बोरो ये इंडोनेशिया में एक बार आई थिंक इस पर क्वेश्चन पूछ लिया गया था कहाँ पर इस्ता उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है तो बहुत ज़्यादा लोड मत लेना इसको रटने के लिए हाँ ये आपको रटा होना चाहिए ठीक है ख़त्म क्वेश्चन तो पे हैं लेकिन अभी नहीं एक सेकंड रुक जाओ स्लाइड एक थोड़ा सा क्रिएट करने लो करने दो कुछ मुझे आपको यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पर लिखवानी है एकदम सभी मेरे दिमाग में आया कि यूनिवर्सिटीज़ तो रही जा रही हैं वो कैसे रह सकती हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं मतलब बहुत ज़्यादा नहीं ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं ठीक है जहाँ पे बुद्ध धर्म के जो लोग थे वो पढ़ने के लिए आते थे डिफरेंट अक्रॉस द वर्ल्ड भी जैसे कि चाइना से काफ़ी लोग आए हम देखेंगे जब चाइनीज ट्रैवलर आया फाहिन आया ह्यूनसांग आया ये सब बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए आए थे ठीक है तो हमारी है नालंदा ठीक है नालंदा यूनिवर्सिटी ये किसने बनवाया और है कहाँ पे तो आई थिंक जानते तो सभी लोग होंगे कहाँ पे है लेकिन किसने इसको बनवाया कुमार गुप्त कुमार गुप्त वन है जो कि गुप्त वंश के शासक थे विक विक्रमशिला ठीक है विक्रम शिला ये कहा किसने बनवाया धर्मपाल और और अगर हम बात करें ओदांतपुरी ठीक है ओदांत पुरी ये कहाँ पे किसने बनवाया गोपाल ने ठीक और बस ये तीन ही आपको याद रखनी है ठीक है और तो कुछ एक बार मैं थोड़ा सा अपने दिमाग में नजर मारता हूं कि और तो कुछ नहीं है, नहीं है। और गोपाल तो आपके वही मतलब पाल डाइनेस्टी के रूलर हैं हम पाल वो भी पढ़ेंगे ठीक है और और अब ये भी हम ये पढ़ेंगे कि इनको डिस्ट्रॉय किसने किया है जैसे नालंदा और विक्रमशिला को खिलजी डायनेस्टी जैसे विक्रमशिला को डिस्ट्रॉय किया बख्तियार खिलजी ने तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे ठीक है बाद में और और तो कुछ नहीं है ठीक है बाकी तो ये आपको लोकेशन आपको पता होना चाहिए कहाँ पे बिहार में है ना चलिए और एक चीज़ यहाँ पे नोट करना सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म में एक और सेक्ट बाद में निकल के आया जिसको हम बोलते हैं वज्रायन ठीक है वज्रायन सेक्ट या फिर वज्रपानी भी बोलते हैं ये तंत्र मंत्र की विद्या में बिलीव करते थे इसको हम तांत्रिक बुद्धिज्म के नाम से भी जानते हैं मतलब कि जिस तंत्र मंत्र के खिलाफ बुद्ध धर्म का गठन हुआ वो इंडिया में खासकर जो अगर हम बात करें ईस्टर्न इंडिया में जैसे कि बंगाल हो गया है ना उड़ीसा हो गया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मेनली बंगाल वगैरह और बंगाल में हम जानते हुए यहाँ पे काफ़ी लोग बंगाल से होंगे कि वहाँ पर थोड़ा सा तंत्र मंत्र ज़्यादा चलता है ना तो ईस्टर्न इंडिया में बंगाल में खासकर बुद्धिज़म को एक का एक मॉडिफाइड वर्ज़न आ गया वज्रायन या फिर वज्रपानी टाइप का जो बुद्धिज़्म है ठीक है वज्रायन स्तरिक वज्रपानी तो आपके बौद्ध ही सकते हैं वज्रायन बौद्धिज्म ठीक है तांत्रिक बौद्धिज्म के नाम से इसको जानते हैं यहाँ पे हमारा खत्म होता है ये जैनिज्म एंड बौद्धिज्म अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस हाजिर हों पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा रुपए के लिए जल्दी से करिए करिए भाई जल्दी से आंसर करिए जल्दी से अच्छा वेस्ट बंगाल नहीं मुझे पता है वेस्ट बंगाल काफी वेन वेदा वॉज रिटर्न कल ऐत्र ऐत्र भट्टाचार्य जी कल हम लोगों ने सारी चीज़ें डिस्कस करी थी कि Rig वेदा आपका अर्ली वैदिक एज में लिखा गया फिर जो बाक अच्छा लिखा क्या आप बात कर रहे हैं वैसे रिसाइड किए गए थे श्रुति हैं फिर मैंने आपको बताया था ये हमारे फोर्थ सेंचुरी ए डी में जाके ये लिखे गए थे लिखे के अगर आप बात कर रहे हैं बाकी ऋग वेदा हमारा अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में बात करता है और जो बाकी के वेद हैं वो लेटर वैदिक एज ठीक है चलिए अब आते हैं क्वेश्चन फर्स्ट इन इंडिया एंड सेंसर्स एंड फिजिक्स लेफ्ट होना है इस बिल्कुल सोनिया होगा चिंता मत करो ठीक है होगी सारी चीजें वट वॉज दी पेडस्टियन पाथ फॉर डिवोटीज टू वेव इन होमेज टू स्तूपा कॉल्ड इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर सीचे सल दो हजार बीस अभी ही हम लोगों ने पेडेस्ट्रियन पाथ जो रास्ता है क्या बोलते हैं इसको अंडा तो वो हेमिसफेकल डोम हो गया टोराना तो आपके वो हो गया सेरेमोनलियल जो गेटवेज हैं ठीक है छत्र तो एकदम टॉप पे मेधी हो गया इसका आंसर ऑप्शन नंबर है विजो द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टूपा इन इंडिया निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है एम टी एस दो हज़ार बाईस केसरिया धामेक अमरावती या फिर बरूद तो अगर हम बात करें आंसर क्या होगा इसमें मैंने आपको बताया था अभी केसरिया इजालाजे चूँकि कहाँ पर बिहार में बरूद कहाँ पे है एमपी में है ठीक है धामेक मैंने आपको बताया था यूपी में सारनाथ में ठीक है ये आप जो अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यही है आपका वो केसरिया स्तूपा ठीक काफ़ी बड़ा ही काफ़ी ज़्यादा एरिया में मतलब है लेकिन सांची स्तूपा काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है राम भर स्तूपा ठीक है राम भर स्तूपा इन विच मार्क्स दी साइट वेर बुद्धा वॉज क्रीमेटेड इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया तो जैसे हमारा जो स्तूपा वगैरह होता जैसे है जैसे सांची स्तूपा क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज वहाँ पर जो हमारे बुद्ध जी हैं उनके मतलब कुछ हम बोल सकते हैं उनसे संबंधित कुछ चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं तो इस वजह से भी बहुत वो होली uh, प्लेस हो जाती है किसके लिए जो हमारे बुद्ध धर्म के लोग हैं उनके लिए ठीक तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें राम भर स्तूपा मैंने आपको बताया था कहां पे? ये यूपी में है ना ऑप्शन नंबर डी यहां आंसर होगा यूपी में कहां पे? कुशी नगर में है कुशीनगर में ठीक है कुशीनगर में अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा यानी कि यहां पे अच्छा मतलब ये पूछा है इनमें से स्तूपा का पार्ट क्या नहीं है हर्मिका गोपुरा अंडा या फिर छत्र बताइए तो अंडा तो है छत्र भी टॉप पे और हर्मिका भी देखा था अगर आपको याद हो जैसे छत्र होता है छत्र के नीचे इस तरह से इतना हर्मिका बना था और ये अंडा था इस तरह से ठीक है गोपुरम हम देखेंगे गोपुरम करके हमें टेम्पल में देखने को मिलेंगे टेम्पल जो मंदिर पढ़ेंगे उसमें ठीक है चलिए देख रहे हैं कितने क्वेश्चन बन रहे हैं इससे चैत्य क्या होता है बुद्धिस्ट में थोड़ा पानी ग्रहण कर लेते हैं तब आंसर करिए जल्दी से चैत्य और विहार बताया था आपको मतलब होता है जहां प्रेयर की जाती है और जहाँ रेजिडेंस होता है उसको विहार बोलते हैं द लाइन कैपिटल वॉज बिल्ट टू कमेमोरेट द हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ डैश ऑफ बुद्धा ये लाइन कैपिटल क्या होती है कुछ नहीं जब हम अशोक पढ़ेंगे ना तो वहां पे अच्छे से इसको समझेंगे कि ये जो लायंस हैं जो हमारे एक तरह से ऑफिशियल एम्बलेम है भारत सरकार का पता है ना आपको ये तो इस ये जो होता है इसको कैपिटल बोलते हैं ऐसा नहीं कि लायन ही होते बहुत जगह में मिले ऐसे करके पिलर वहाँ पे किसी में बुल है किसी में लायन है ठीक है सॉरी लाइन तो इसी में ही है बुल है किसी में किसी में और भी जानवर हैं ठीक है तो वो जो है कहीं ना कहीं इनको हम कैपिटल बोलते हैं इसको हम कैपिटल बोलते हैं इसको एबेस्कस बोलते हैं वो सारी चीजें हम देखें इसको इसको एबेस्कस बोलते हैं तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे क्या इन्वर्टेड लोटस है ये है ना तो वो चीज़ें देखेंगे तो अभी के लिए लाइन कैपिटल ऑफ बुद्ध कौन सा अच्छा कैपिटल वॉज बिल्ड टू कमेमोरेट द हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ डैश ऑफ बुद्धा तो इसको किस लिए बनाया गया था जो पहला उपदेश दिया था उसके लिए ठीक है फर्स्ट सरमन जो कि सारनाथ ने बनवाया था ठीक है किसने अशोक ने ये लिखा है नहीं लिखा है अशोक ने बनवाया था इसको ठीक है uh, पहला उपदेश जो उन्होंने दिया था कहां पे दिया था सारनाथ में दिया था बरहुत स्तूपा डिपेक्ट दी जातक टेल्स एंड स्टोरीज इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स जातक टेल्स अभी हमने देखा था क्या है धर्म से संबंधित हैं और बुद्ध की अर्ली लाइफ के बारे में बताते हैं बचपन की लाइफ और उनकी अर्ली लाइफ के बारे में बताते हैं हमें ये जो कहानियां है। तो भरूत स्तूप की मध्य तो हाँ प्रदेश में ऑप्शन नंबर बी विचो तो दौन सा सही है गौतम बुद्ध बिलोंग टू स्मॉल गन नोन एज अक्य गॉज अ क्षत्रिय क्षत्रिय थे और गौतम बुद्ध पास्ड अवे एट कुशीनगर बिल्कुल अगर हमें पता हो साक्य क्लैन से बिलोंग करते थे जो की क्षत्रिय क्लैन थी है ना और गौतम बुद्ध कुशीनगर में खुशी खुशी इन्होंने अपने प्राण त्याग दी है तो ऑप्शन नंबर डी बोथ वन एंड टू आर ये भी देख लेना होता है कि करेक्ट पूछा है कि नॉट करेक्ट नॉट करेक्ट पूछ तो नीधर हो जाता और कई बार जो चीज़ें हमें आती हुई होती हैं उसमें नंबर हम खो के चले आते हैं ना तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इज सेट टू बी सेट टू हैव बीन पैटर्नाइज बाई जो पहली बुद्धिस्ट बौद्ध संगीति है वो उसको किसने पैटर्नाइज़ किया था याद करिए ए के ए के याद आ रहा है ए के ए के आजाद शत्रु कालाशोक अशोक और कनिष्क हुई कहां पे थी पहली वाली राजगिरी दूसरी वैशाली तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन कश्मीर में ठीक है तो आंसर क्या होगा आजाद शत्रु ऑप्शन नंबर सी <coughs> सॉरी चेतियागिरी विहार ठीक है चेतियागिरी विहार डैश इज अ डैश फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन सांची सांची स्तूपा जो है मध्य प्रदेश में सांची मध्य प्रदेश में तो भाई विहार हमने देखा तो विहार और चैत्य किसी धर्म से संबंधित है चैत्य जहाँ पे लोग प्रेयर्स करते हैं बुद्ध धर्म के लोग विहार जहाँ पे रहते हैं बुद्ध ऑप्शन नंबर डी खत्म इलेवेंथ द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर्ड रिटर्न एन जो एम टी एस तो सबसे पहला बौद्ध ग्रंथ लिखा गया तो किस लैंग्वेज में लिखे जाते थे प्राकृत में हमें ज़्यादातर जैन लिटरेचर देखने को मिलते हैं संस्कृत में लिटरेचर ज़्यादा नहीं लिखे गए आंसर होगा पाली ऑप्शन नंबर ए इसी में हमें त्रिपिटाका देखने को मिलते हैं अभिधम सूत और विनय पिता का इसी में हमें वो जो हमने देखा था मिलिंद पनो जहाँ पर डिस्कशन है मिलिंद और किसके बीच में जरा जल्दी से कमेंट बताओ किसके बीच में जिनका नाम एन से शुरू होता है विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट इज लोकेटेड इन यूपी यूपी में कौन से लोकेटेड है करले सारनाथ अमरावती या फिर सांची तो सांची तो एमपी में अमरावती भी आपकी साउथ इंडिया में आंध्रा में सारनाथ होगी आपकी ऑप्शन नंबर बी वन ऑफ द एट होली प्लेसेज में आती है अभी वो एट होली प्लेसेज कौन सी है मैं आखिरी में आपको लिखवा भी दूंगा ठीक है थोड़ा क्वेश्चन पे फोकस करते हैं द रूल्स मेड फॉर द डैश वर विटर्न डाउन इन अ बुक कॉल्ड रूल्स को इनमें लिखा जाता था विनय पिता का किसके लिए रूल्स बनाए जाते थे तो ये बुद्धिस्ट के लिए बनाए जाते थे बिल्कुल सबका सही आंसर है सोनू प्रिया रिया हैंडसम डेविल अर्जेश सेजल सबका सही है नाग एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज डिड लॉर्ड बुद्धा गेव इज फर्स्ट सरमन ऑन दी फोर नोबल ट्रुथ कहाँ पे दिया था सारनाथ में है ना बुद्ध गया में तो इनको क्या मिला था बौद्ध गया में एनलाइटनमेंट मिला था

सेवेंटी नंबर ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विद द आर्किटेक्चर ऑफ द बुद्धिस्ट बुद्धिस्टा इनमें से देखो देख रहे हो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं बुद्धिस्ट बुद्धिस्टा पे तो कौन सा टर्म एसोसिएटेड है गोपुरम ना गोपुरम तो ये टेम्पल में अभी पीछे भी मैंने बताया था मंडप भी नहीं है गर्भगृह भी टेम्पल्स है हर्मिका वही हर्मिका जो छत्र के नीचे होता है जिसके नीचे फिर अंडा आता है हर्मिट हमारे पिलर uh, होते हैं मेदी हमारा पेडिस्टल पाथ होता है और जो सेरेमोनियलियलियलियलिय गेट वेज होते हैं उनको ट्राना बोलते हैं ठीक है रूलर बिकेम अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म कौन बन गया ऑफ रूलर अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे वो तो जैन थे धर्म से बिलोंग करते थे ठीक है और अशोक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे उनके बेटे बिंदुसार थे तो बिंदुसार के बेटे वो थे अशोक बिम्बी अलग थे ध्यान रखना बिम्बी सार अ अंटेम्प्रेरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड महावीरा ठीक आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी जो कि बहुत ही ज्यादा प्रपाउंडर थे एक तरह से हम बोल सकते हैं इतने ज्यादा प्रपाउंडर थे कि इन्होंने अपने बेटे जो इनके सन थे वो हम आगे भी पढ़ेंगे इनके बेटे का नाम था महेंद्र ठीक और इनकी जो बेटी थी जो इनकी डॉटर थी उनका नाम था संगमित्रा ठीक है संगमित्रा इनको भेजा कहाँ पे श्रीलंका में जिसको पहले सीलोन के नाम से जानते थे वहाँ पे भेजा का प्रचार करने के लिए एक चीज़ याद रखना मैंने जब आपको हीन यान और महायान के बारे में बताया था ना और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि बुद्धिज़्म धर्म श्रीलंका म्यांमार इंडोनेशिया चाइना जापान कोरिया यहाँ बहुत फैला तो जो धर्म आप जो यहाँ पर है बुद्धिज़्म है यानी कि श्रीलंका हो गया या फिर आपका जो म्यांमार हो गया यहाँ पे जो बुद्धिज़्म देखने को मिलता है ये हीनयान होता है जो आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते हैं जो करते हैं महायान और वो महायान जापान चाइना कोरिया वो महायान बुद्धिज्म है ठीक है नाइनटीन्थ अगर कभी पूछ ले वैसे तो पूछेगा नहीं विच हिस्टोरिकल साइट इज लोकेटेड इन जोगाड इन उड़ीसा कौन सी साइट जोगार्ड उड़ीसा में है तो जोगाड उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा क्या थोड़ा सा गेस्ट करिए अगर आप कर सकते हैं तो हुँ? अशोक होंगे बिकॉज बुद्धिज्म धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं ठीक है जैनिज्म बुद्धिज्म और अशोक जी का उड़ीसा से ही लेना देना है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा ऑन विच सिटी वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड तीसरी बौद्ध संगीति कहां पे हुई रेखा सिंह आकाश मीनाक्षी अंकिता रंजीत सबका सही है राजगिरी वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन कश्मीर ठीक चैत्य एन विहाराज व कंस्ट्रक्टेड फॉर मंग्स फॉर विच रिलीजन किसके लिए बनवाए गए थे चैत और विहार रिपीटेड क्वेश्चन है कि नहीं बाबा लोमस ऋषि केव कंस्ट्रक्टेड फॉर बुद्धिस्ट मंगस इज लोकेटेड इन विच स्टेट ये है आपकी लोमस ऋषि केव ठीक है कहाँ पे है एम छत्तीसगढ़ झारखंड या फिर बिहार लोमस ऋषि केव तो ये है आपकी कहाँ पे मध्य प्रदेश में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा ठीक है अगले क्वेश्चन पे आते हैं अगला क्वेश्चन है आपका डैश इज एक सेकेंड एक सेकेंड मध्य प्रदेश में नहीं होगा सॉरी सॉरी बिहार में होगा ठीक है ऑप्शन नंबर डी डी होगा इसका लोमस इज फेमस फॉर आउटस्टैंडिंग स्पेसिमेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर बिलोंगिंग टू द पीरियड बिटवीन द थर्ड सेंचुरी बी सी एंड ट्वेल्थ सेंचुरी क्वेश्चन क्या है डैश बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूनों के लिए प्रसिद्ध जो तीसरी शताब्दी ईशा पूर्व और बारी अच्छा ठीक है के बीच में अवधि संबंधित है तो ये कौन सी आपकी ये सांची ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा जो कि बुद्धिस्ट आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए काफी फेमस जगह है और हमें देखे था चेतियागिरी जो फेस्टिवल है वो भी आपका सांची मध्य प्रदेश में ही होता है वन ऑफ दी मोस्ट प्रोमिनेट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया डैश स्तूपा एट सारनाथ वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द ग्रेट माउटेन अशोका धौली धामेक बरूथ या फिर ललित तो स्तूपा बनाया था सारनाथ में अभी मैंने बताया था सारनाथ में कौन सा स्तूपा था धामेक स्तूपा था राइट right? आगे बढ़े बरूत आपका एम में आगे बढ़ते हैं ट्वेंटी फिफ्थ डैश वॉज द फर्स्ट वुमन टू बी ऑर्डेड एज अ बिकुनी इन द बुद्धिज्म बौद्ध धर्म में बिकुनी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी कौन थी तो फॉस्टर मदर ऑफ गौतम बुद्ध बिकुनी अब एक दो क्वेश्चन और मैक्सिम करेंगे नहीं तो फिर उसके बाद जैन धर्म के क्वेश्चन पे आएंगे विच द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लोकेशंस आर फेमस फॉर बुद्धिस्ट रेलिंग्स एंड गेटवेट दो हजार तेईस जो अभी कुछ ही महीने पहले आपका पेपर हुआ है तो कौन से पेयर्स ऑफ लोकेशन फेमस हैं रेलिंग और गेटवेज के लिए तो गेट वेज यानी इतोरानास और रेलिंग आपके वो जो हमने देखा था हर्मिकास ठीक है तो इसके लिए फेमस है आपके सारनाथ और जो कुशीनगर में है ठीक है <coughs> जो स्तूपा है वो इसके लिए फेमस है आखिरी क्वेश्चन है ठीक है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया आर बुद्धिस्ट केव टेम्पल बराबर केव्स लोकेटेड तो जो बराबर केव्स हैं ये आपको कहां पे देखने को मिलेंगे ऑप्शन हैं आपके वेस्ट बंगाल सिक्किम यूपी या फिर बिहार आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिहार तो so, बिहार में आपको देखने को मिलेगी बराबर के सुल्तानपुर में आई थिंक रंग बिहार के लोग बताएंगे सुल्तानपुर में ही है ना अभी आप करेंगे ठीक है ये आपके लिए क्वेश्चन है एक क्वेश्चन आपके लिए चलो so, अब आते हैं जैनिज्म पे राइट right? चलिए पहला क्वेश्चन एट द एट वॉट एज जैन के ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आई थिंक सात आठ क्वेश्चन होंगे एट द एज ऑफ डैश महावीर लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट किस एज में छोड़ा था तो बुद्ध जी ने उनतीस में और इन्होंने तीस में ऑप्शन नंबर डी वेयर डिड लॉर्ड महावीरा अटेन सालवेशन सालवेशन कहाँ में मिला सोनगिरी पावापुरी श्यवन बिल गोला फिर माउंट आबू अब मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन दे देता ना कि uh, मतलब एनलाइटेनमेंट वाले भी तो कंफ्यूज हो जाते हैं आप में से काफी लोग सालवेशन का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति यानी कहा इनकी डेथ हुई है पूछ रहा है ना कि इनको कहां पे एनलाइटेनमेंट <coughs> मिला तो पाव इन्होंने अपने आखिर कहां पे रखे है ना पावापुरी चलिए महावीर हु वॉज नोन इन पाली लिटरेचर एज अ निगंत नुत्र फाउंडेड अ रिलीजन कॉल्ड तो इन्होंने किस धर्म के को फाउंड किया देखिए यहाँ पे सी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया और उन्होंने फाउंडर के तौर पे एड्रेस किया महावीर को ना कि प्रोपाउंडर के तौर पे वैसे फाउंडर हमारे कौन है ऋषभ देव अगर हम एक्चुअल में देखें बट फाउंडर इनको हम इसलिए भी कंसिडर कर लेते हैं बिकॉज मेन प्रचार इन्होंने किया तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा जैनिज्म नेम दी होली सिटी रिकग्नाइज एज द बर्थ प्लेस ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ जैन तीर्थंकर देखिए फोर्थ जैन तीर्थंकर कौन है मैंने आपको नहीं बताया ठीक है तो जन्म भी नहीं पता हमें लेकिन पहले पहले के बारे में मैंने आपको बताया है याद करिए पहले कौन थे ऋषभ देव उनका जन्म कहाँ पे हुआ था अयोध्या देखिए नोट्स पलट के दूसरा जो सॉरी तेईसवें जो हमारे थे उनका वाराणसी में हुआ था पार्श्वनाथ ठीक है इनका अयोध्या में हुआ था ठीक है तो इससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी द टर्म जीना मींस तो जीना का मतलब क्या था लॉर्ड फ्री फ्रॉम फेटर्स वर्दी ऑफ द कांग्रेस जीना मतलब जिसने सब जीत लिया हैज कॉन्कर एवरी थिंग द कांकर फॉलोइंग स्टेट्स वॉज लॉर्ड महावीर बॉर्न तो लॉर्ड महावीर जी का जन्म कहाँ पे हुआ था ये मैंने आपको बताया था पूछ लेता है तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार द डैश इज अस्ट कंटेनिंग दायोग्राफीज ऑफ दैन तीर्थ मोस्ट नोटेबली पाश्चा नाथ एंड महावीर तो ये क्या है आपके आपको बताना है उत्तराध्यान आदि पुराण महापुराण और कल्पसूत्र आगे कुछ क्वेश्चन है नहीं है तो चलिए आपको ये ले ये भी एक क्वेश्चन है होमवर्क वाला क्वेश्चन एक उसमें था और एक इसमें ठीक है चलिए कुछ तो होमवर्क होना ही चाहिए ना कुछ तो एक्टिविटी आप भी करें अपने आप से चलिए बाकी वही सेम चीज रिपीट करूंगा जिन लोगों को नहीं पता है तो ये मतलब बैच की वीडियोस हैं लाइव फ्री होती हैं यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग और नोट्स इसके मिलते हैं आपको एप्लीकेशन पे हिंदी को नोट्स को लेके आ रहा था और मैंने टेलीग्राम प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे डाल भी दिया था आपके कि जो अब से आपको जो नोट्स मिलेंगे यानी कल से वो आपको आप देख ही लेंगे कैसे मिलेंगे आपको उसमें आपको कोई भी क्वेरी नहीं होगी तो थोड़ा बहुत कभी राइटिंग का इशू कभी आपको हो जाता है वो भी बिल्कुल नहीं होगा इंग्लिश में तो खैर कोई दिक्कत नहीं नोट्स में हिंदी में बिल्कुल नहीं होने वाली और जो पुराने वाले नोट्स हैं उनको भी मैं रिप्लेस करवा दूंगा ठीक है जो पुराने नोट्स हैं विद दी न्यू गुड हैंड और बहुत ही क्लियर कट है जिसके आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं प्रिंट आउट निकाल कर भी आराम से पढ़ सकते हैं ठीक है चलिए सर आईबी के करंट अफेयर का क्या करें मिस्टर स्ट्रगलर संडे को मिलिए आप शाम 7:00 बजे नवंबर के करंट अफेयर हम लोग कर रहे होंगे ठीक है संडे शाम 7:00 बजे वो मैं करवा दूंगा आपको नवंबर के करेंगे भी फिर पीछे पड़ेंगे अक्टूबर वगैरह के भी कवर कर लेंगे मैं आपको बता दूं कि मैं जुलाई से जो करंट अफेयर हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूँ जुलाई और उसके बाद के करंट अफेयर करवाने वाला हूँ सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको बता दूँ नवंबर दिसंबर और जनवरी के सबसे ज़्यादा ये मैं एनालिसिस करने के बाद बता रहा हूँ अगर आपने किया होगा तो आपको भी ये चीज़ पता है ठीक है तो जुलाई और उसके बाद के मैं करंट अफेयर करवाने वाला हूँ संडे को मिलते हैं नवंबर के करंट अफेयर के साथ एट सेवन पी एम ऑल ठीक है सुधांशु परिहार जी बिल्कुल अनुराधा हो ओजा मैंने अभी बताया भी की क्लासेस होंगी ठीक है बिल्कुल होंगी ये मोई मोई क्या लिखते रहते है? क्या होता ये मौई मौई? है ये मोए मोह है मोई 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 करते रहते हो अच्छा एट प्लेसेस मुझे बतानी थी ठीक है एट जो प्लेसेस हैं आपकी बुद्ध धर्म से एट होली प्लेसेस ऑफ एट होली प्लेसेस ऑफ या फिर इन बुद्धिज्म तो एक तो जहां पे सबसे पहली बात तो ये है कि जहां पे जन्म हुआ लुम्बिनी नेपाल में ठीक जहां पे इन्होंने अपना आ, मतलब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया दूसरी ए, होली होली का मतलब बहुत ही पवित्र जगह है बुद्ध धर्म में पहला शरमन दिया उपदेश दिया सारनाथ जहां इनकी डेथ हुई कुशीनगर ठीक है राजगीर अब ये बाकी चार तो आपको याद ही हैं राजगीर ठीक है और वैशाली ठीक है जहाँ पे आपकी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिली पहली और बुद्ध दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली और श्रावस्ती तीसरी हो गई आपकी श्रावस्ती और चौथी है संकासा ठीक है ये होली प्लेसेस में आती हैं एट होली प्लेसेस ऑफ बुद्धि बुद्धिस्ट रिलीजन सर बिंबिसार सार और बिंदु सार को एक्सप्लेन कर दीजिए अब जो अगला लेक्चर होगा ना कल पूरा समझ जाओगे जब पढ़ेंगे मौर्य डिनेस्टी के बारे में आराम से समझ जाओगे सब के बारे में पढ़ेंगे बिंदुसार चंद्रगुप्त के बेटे थे ठीक है चंद्रगुप्त के बेटे थे यानी ये लोग काफी बाद में आए ये मतलब इन्होंने भगवान माना था किसको जैसे महावीर लोग हो गए उनको भगवान माना था जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आज जैसे जैसे हम एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत मानते हैं लेकिन जब वो पर्सन एग्जिस्ट करता है जैसे जब हमारी लाइफ में होता है तब हम उसको उतना ज्यादा आपने ऑब्जर्व किया होगा जैसे एपी जी अब्दुल कलाम थे तो उतना ज्यादा वो नहीं करते थे लेकिन अब जब चले गए तो उनको हम बहुत भगवान मानते सारी चीज़ें करते हैं है ना है कि नहीं तो इसी तरह वो भगवान मानते थे तो ऑब्वियसली बात है तो उनके समकालीन नहीं होंगे बिम्बी सार जो थे वो उनके समकालीन थे बहुत पहले आए यानी कि वो उन्हीं के टाइम के थे चंद्रगुप्त मौर्य सॉरी गौतम बुद्ध और महावीर के टाइम के क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव में क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव में वॉज द फर्स्ट वीमन टू बन इन बुद्धिज़्म अच्छा अरे क्या यार वो मैंने गलती से वो दूसरा ऑप्शन टिक कर दिया होगा तो वही ना महाप्रजापति गौतमी बोला तो मैंने वही होगा महाप्रजापति गौतमी मैंने देखा नहीं ठीक है और सुजाता जी ने जो है सुजाता जी भी एक लेडी थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइफ प्ले मतलब ज़्यादा बहुत तो नहीं लेकिन बुद्धिज्म जो ये माना जाता है कि इन्होंने मतलब कुछ खाना खिलाया था बुद्ध जी को सुजाता जी ने ठीक है थैंक यू सभी को बाकी नोट्स एप्लीकेशन पे मिलेंगे परमार एकेडमी यहाँ आप पे आपको देखने को मिल जाएंगे कोर्सेज सेक्शन पे पीवाई की कब से शुरू होंगे फर्स्ट जनवरी से होंगे शुरू ठीक uh, हो है मेल एंड फीमेल बोथ आर नॉट अलाउड टू वियर दी क्लोथ इन जैनिज्म अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए ना कुछ अच्छा आप पता लॉर्ड बुद्धा ने क्या बोला था लॉर्ड बुद्धा ने बोला था अपने जो इनके लॉर्ड बुद्धा ने ये बोला था कि इनके जो ठीक है लॉर्ड बुद्धा जी ने ये बोला था कि अगर अगर हम मतलब अगर हम जो भिखुनी यानी कि जो विमेंस हैं उनको अगर ना अलाउ करते ना अलाउ करते एंटर करने में बुद्धिज्म धर्म में तो फिर ये जो बुद्धिज़्म और हज़ार साल तक चलता अभी तो ये उन्होंने बोला था क्योंकि काफ़ी जो है बाद में जो बुद्धिज्म धर्म के जो मंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डेविएट हो गए और वो भी आराम की लाइफ में बिलीव करने लगे और थोड़ा सा जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए उसमें भी आ गए थे सर तो आप बोल रहे थे ना कि अभी बुद्धिज़्म इंडिया में क्यों नहीं है इंडिया में उतना हाँ अविष्ट चक्रवर्ती बिल्कुल बुद्धिज़्म धर्म इसलिए नहीं है उसके काफ़ी रीजंस हैं क्योंकि काफ़ी सारे रूलर्स आए उन्होंने काफ़ी मार पिटाई करी बुद्धिज़्म धर्म के लोगों की तो एक तो फोर्सफुली उन लोगों ने मतलब अपना लिया ठीक है कुछ लोगों ने जैसे मारते थे ना सिर्फ मतलब हिंदू रूलर्स इस्लामिक रूलर्स सभी ने किया ठीक है उनकी जो होली प्लेसेस है उनको डिस्ट्रॉय किया इस वजह से क्या 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 हुआ धीरे धीरे और जो ब्राह्मण धर्म था क्योंकि मैंने बताया ब्राह्मण ब्राह्मणास को अब उपनिषद से रिप्लेस कर दिया गया था तो जो चीज़ें गलत थी वो अब सही होने लगी धीरे धीरे तो इसलिए लोग ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म को अपनाने लगे लेकिन बाकी देशों में ये फैल गया लेकिन हमारे यहाँ से धीरे धीरे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है तो मानव ही बिल्कुल बात तो सही है हैं तो मानव ही और मानव के अंदर एक दानव भी होता है चलिए भाई धन्यवाद सभी को मोया मोया बोला